hands up. अम्मा, तो जब जब मिलती है कुछ अच्छा जरूर होता है। बेटा कैसा है? महंगाई के साथ साथ वो भी तेजी से बढ़ रहा है। तू महंगाई की चिंता मत कर, बेटे की चिंता कर, उसे पढ़ा। मैं हूं ना। तुम जितना कर रहे हो ना, कोई नहीं करता। बस दुआ में याद रखना। दस पैसे के अखबार ने एक बड़े ऑफिसर की इज्जत को उछाल दिया। अब सर आप क्या करेंगे, ट्रांसफर या रिजाइन? कौन हो तुम? क्या सर? कौन है तू? सोहेल खान। नाम नहीं पहचान बता। इंस्पेक्टर सोहेल खान, बॉम्बे पुलिस क्राइम ब्रांच। बीवी है घर पे? जी है। रात बाजारों के साथ गुजारता है या बीवी के साथ? बीवी के साथ सर। तनख्वाह तो तू पुलिस की लेता है, रिश्वत किस किस की लेता है? सर इसका इल्जाम कोई नहीं लगा सकता मुझ पे। माँ बाप के साथ बदतमीजी करता है, पचलुकी करता है उनके साथ? सर क्या बात कर रहे हैं, दोजक में थोड़े ही ना जाना है मुझे। जब तू कोई गलत काम नहीं करता, इंस्पेक्टर सोहेल खान बम्बई पुलिस क्राइम ब्रांच, तो एक गुंडे की हरकत पे ताली क्यों बजा रहा है? आज के बाद सुल्तान मिर्जा का नाम सुनकर तुम्हारा खून नहीं खोला तो ठंडा कर दूंगा सबको। तो ना ट्रांसफर ना रिजाइन, पिछवाड़े पे लात मार के बाहर निकाल दूंगा। सुल्तान तेरी ये चाल तो काम कर गई, लेकिन बाजी अभी बाकी है। मुझे एक सुराख, एक मौका, एक मोहरा चाहिए तुझे खत्म करने के लिए। सब इंस्पेक्टर खान। क्या? अरे जाने दो ना साहब, अब्बा बहुत मारेगा। तब ही तेरी अक्कल ठिकाने आएगी। चल चल पुलिस स्टेशन, चल। तू बड़ा है ना, जोर ज्यादा है, पर याद रखना जैसे जैसे मेरा उम्र बढ़ते जाएगा तेरा घटता जाएगा, जैसे जैसे मेरा जोर बढ़ता जाएगा तेरा कम होता जाएगा। तब दिखाऊंगा जितना मेरा बाप मुझे आज मारेगा सब चुपका कर दूंगा, सूद समेत। बुड्ढे साले, ऐसी कौन सी जरूरत है तेरी शोएब जो पूरी नहीं होती? बोल बोल। न तेरी आंखों में शर्म है ना माफी। आंखें नीची कर। आज मैं तुझे सीधा करके छोड़ूंगा शोएब। खान क्या कर रहे हो भाई, 5 थप्पड़ मार चुके हो तुम मुझे। अब जाने भी दो, बच्चा ही तो है। और सूद के साथ बच्चे बच्चे में सुल्तान बनने की चाह थी, पर सुल्तान के दिल में एक ही नाम था, रेहाना। इस कहानी की सबसे खूबसूरत और अहम कड़ी रेहाना। कर दिया। एक मौका मुझे भी दीजिए प्लीज रिहाना जी, और मेरी फिल्म भी कर लीजिए। हमारी मैगजीन की पार्टी में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। माय प्लेजर। आपने बचपन में भी काम किया और आज भी आप एक कामयाब हीरोइन हो। इतनी लंबी इनिंग्स रिहाना जी, कैसा लग रहा है?
बचपन में काम करती थी तो लगता था सब खेल है, और अब काम कर रही हूँ क्योंकि खेलने की उम्र नहीं रही। इस बार तो तुम बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड जीत गई हो, लेकिन इस बात पर ज्यादा मत इतराना, मेरी आने वाली 4 फिल्में काका के साथ है। जानती हो उन्हें लोग क्या कहते हैं? सुपरस्टार। एक्चुअली सुपरस्टार। वन लास्ट क्वेश्चन, आप सबकी ड्रीम गर्ल हैं, आपका ड्रीम मैन कौन है? ना कोई सुपरस्टार और ना ही कोई चुबली स्टार, मेरा ड्रीम मैन वो होगा जो 60 सेकंड में मेरा दिल जीत ले। चंद्रू गाड़ी रोक, गाड़ी रोक। अरे रेहाना जी आ गई। एक मिनट भाई, पहली बार मिलने जा रहे हो, खाली हाथ मत जाना है। चाराने का है साहब। ये तो बड़ा है, ये महंगा होगा। अरे साहब कोई भी उठा लो, सब चाराने का है। सोच, ये दुनिया का आखिरी अमरूद है, इसके बाद कोई और अमरूद नहीं उगेगा। अब ये कितने का है? 4 रुपए। सोच, मुमताज ने अपने हाथों से इसे पानी देकर उगाया, सलीम के हाथ में फूल नहीं अमरूद रहता था, अब ये कितने का है? 40 रुपए। अबे यार सोच, आदम ने सबसे पहले सेब नहीं ये अमरूद खाया था, अब ये कितने का है? 400 रुपए। 400 रुपए। एक कुर्सी ले आओ। कुर्सी आने तक यहाँ आराम कर लो। जब तक तुम जैसे मर्द दुनिया में है, औरतों को आराम कहाँ? ज्यादा छुईमुई बनने की जरूरत नहीं है, हा? खुली किताब हो, एक दो पन्ने हम पढ़ लेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, फायदे में रहोगी, समझी? तुम शराफत का पाठ पढ़ लो, तुम्हारे लिए वो ज्यादा जरूरी है। आपके लिए एक छोटा सा तोहफा, कबूल कीजिए। ए कौन है तू? हाँ, पूरे 400 रुपए का खरीदा है, महंगा कुछ नहीं मिला तो सस्ते को ही महंगा खरीद लिया। अरे देखो भाई देखो, रेहाना जी के चाहने वाले उनके लिए 400 रुपए का पेरू लेके आए हैं। चल दे दिया ना, अब फुट यहाँ से। आज रात खाना खाएंगे आप मेरे साथ? अबे ओ अमरूद, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? रेहाना जी तुम्हारे जैसे राह चलते के साथ खाना खाती फिरती है क्या? हाँ, जिनकी मंजिल एक होती है वो रास्तों पर ही तो मिलते हैं। अबे ओ शायर, बंद कर अपनी महफिल, नहीं तो अभी शमा बुझा दूंगा तेरी मैं। क्या ये क्या कर रहे हो? मैं दिल लगा रहा हूँ, तू जुबान लड़ा रहा है। दिमाग तो नहीं खराब हो गया? जानते तुम किससे बात कर रहे हो? देखिए तेरी 2-4 फिल्में, हंसता है तो ऐसे लगता है कुत्ता हाँफ रहा है। अभी तुझे बाहर फिकवाता हूँ। हंस के दिखा, हंस के दिखा। क्या नाम है तेरा? अबे हंस, क्या नाम है तेरा? हंस। ए बड़ा इधर आ, नाम बता मेरा। सुल्तान मिर्जा। सुल्तान भाई, गलती हो गई, मुझे वाकई एक्टिंग नहीं आती सुल्तान भाई। चुप। आज रात 8 बजे मैं आपका इंतजार करूंगा, आपकी सबसे पसंदीदा जगह पर। इस बात को तो 15-20 दिन हो गए ना? 18 दिन से यहाँ इंतजार कर रहा हूँ और रोज आलू गोभी खा रहा हूँ। आलू गोभी क्यों? सुना है आपको बहुत पसंद है, ऑर्डर करो। आज भी आपको अकेले ही खाना पड़ेगा, मैं यहाँ आपसे मिलने नहीं, एक फिल्म की कहानी सुनने आई हूँ। और आज करेला ऑर्डर कीजिए, मुझे वो भी बहुत पसंद है। इस्माइल। यस सर। एक करेला। ओके सर। आज भी आप किसी की कहानी सुनने आई हैं या हमारी कहानी आगे बढ़ेगी? बेसब्र आदमी जबान भी जला लेता है और खाने का मजा भी नहीं ले पाता। एक बात कहूं, जब जब कोई हीरो आपको पर्दे पर छूता है तो मैं आंखें बंद कर लेता हूं। ऐसा क्यों? पता नहीं,
जब भी आप पर्दे पर रोती हैं, मैं कुर्सी पर रोता हूं। ऐसा क्यों? पता नहीं, वो फिल्म अनपढ़ बाप, जब आप हीरो से कहती हैं कि मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं, तो मां कसम आप पेट से लग भी नहीं रही थी और मैंने बच्चे का नाम भी सोच लिया था। क्या मैं आपको एक बार छू सकता हूं? ऐसा क्यों? मैंने हमेशा आपको टिकट लेकर देखा है, आज आप मेरे सामने बैठी हैं तो देखना चाहता हूं कि ये सच है या सपना। कौन हो तुम? सुल्तान मिर्जा। नाम तो मैं जानती हूं और उसका असर भी देख चुकी हूं, लेकिन सुल्तान मिर्जा है कौन? पता नहीं, अभी ये मत कहना। ऐसा क्यों? जन्मदिन मुबारक हो। तुम्हारी क्या कोई डिक्शनरी है जिससे तुम्हें समझने में आसानी हो जाए? ऐसा क्यों? तुमने कहा था तुम्हारे जन्मदिन का जश्न है, यहाँ तो सिर्फ हम ही दोनों हैं। मैंने सुना है कि दो लोग मिलकर घर बना लेते हैं, हम जश्न नहीं मना सकते। वैसे भी आज पहली बार मैं अपना जन्मदिन मना रहा हूँ। ऐसा क्यों? आज से पहले कोई ऐसा मिला ही नहीं जिसको मेरी पैदा होने की खुशी हो। जन्मदिन की खुशी तो मुझे भी कभी नहीं हुई। बहुत सारे लोग आते थे बहुत सारे तोहफों के साथ, जिनकी कीमत मुझे चुकानी पड़ती, जो मुझे मंजूर नहीं था। आज मैं इस वक्त को याद करती हूँ तो सपने भी खिलौने आते हैं। तीन तोहफे लाई हूँ तुम्हारे लिए, हर तोहफे के साथ एक पहेली है, हल कर लोगे तो तोहफा तुम्हारा। पहला तोहफा, बचपन से आज तक तुम कभी इसके अंदर कभी बाहर। ऐसी चीज, जेल? नहीं, हथकड़ी। सफेद कमीज, जैसी तुम्हें पसंद है। तुम्हें रंगों से परहेज है क्या? रंगों से परहेज नहीं, काले से बैर। इस बैर की वजह? बचपन काली रातों में गुजरा और जवानी काले कामों में। गोदी में काम करता था, कोयला भरता था क्रेन में, बस वो काला कोयला मेरी रग रग में बस गया। बम्बई रात की बाहों में रहता है और रात की बाहों में रहते हैं कुछ खतरनाक इरादे, कुछ खतरनाक लोग। कहाँ जा रहे हो? आप आज कहाँ की रखवाली कर रहे हो? बांद्रा। आज पहली बार सही रास्ते पे मिले हो, मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ। बैठो। अभी ये दे। तू ये मार। क्या? चलो। अब्बा की ड्यूटी अजय की है। तो फिर कल पे रखे। क्या सब मजाक कर रहे हैं आप तो रोज़। आज का काम कल पर छोड़ूंगा तो आज बुरा मान जाएगा। चल। काम बता। ये लो साहब। Oh!
देख तो बहुत पिट गया है, इस हालत में घर भी नहीं जा सकता। वो घर देख रहा है, वहां जा, बेल बजा, डॉक्टर बुला और दरवाजा खोल के रख। चल कौन आ गया इतनी रात को? अरे देखो तुम, क्या हुआ? कौन है ये? अरे चलो भारी है। कैसा लगा मैम? वो दिखाना। ये? नहीं नहीं, ये मैंने पसंद नहीं आया। ये लेटेस्ट डिजाइन है। अच्छा है, पर समझ में नहीं आ रहा है। तुझे हार समझ में नहीं आ रहा है और मुझे तुम। निकल यहाँ से। क्या? चल निकल। शोएब क्या कर रहे हो? मैम आप रुकिए, आप रुकिए। अगर अभी नहीं गई ना तो जो पहन कर आई है वो जेवर भी यहीं छोड़कर जाएगी। शोएब क्या कर रहे हो? ये क्या बदतमीजी है? नहीं नहीं मैम, आप प्लीज बैठिए, ये देखिए, ये देखिए। और नहीं बेइज्जती करवानी हमें अपनी। मैम मरने की उम्र है और झुंझुना खरीदने के लिए। मैम मैं, तुम कभी नहीं सुधरोगे। ये उम्र सुधरने की नहीं बिगड़ने की है। इतना भी मत बिगड़ो कि सुधरना मुश्किल हो जाए। मुश्किल तो ये है कि मैं भी ठीक तरह से बिगड़ा भी नहीं और तुमने सुधारना शुरू कर दिया। बातें मत बनाओ, काम बोलो, क्यों आए हो? बेचना है? पहनाना है। किसे? इसे, तुम्हें। किसके गले से निकालकर हमें पहनाने लाए हो? क्या कहा तुमने? हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि मैं चोर हूँ? हाँ, लोगों के गले काटता फिरता हूँ? जा, मुझे नहीं दे रहा तुम्हें। शोएब, ठीक है, नाराज मत हो। तो हाथ छोड़ो मेरा। हमने छोड़ दिया तो कहाँ जाओगे? शोएब क्या कर रहे हो? बिगड़ना शुरू कर रहा हूँ। तुम सुधारना मत। शाम का इंतजार नहीं कर सकते थे? शाम तक रुकूंगा तो सुबह बुरा मान जाएगी। तुम्हें क्राइम को रोकना नहीं, खत्म करना है। माफिया बॉम्बे में है और बढ़ते जा रहे हैं। अगर उन्हें नहीं रोका गया तो फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा। सिर्फ 5 लोग जो ठीक से पढ़े लिखे भी नहीं हैं, मगर फिर भी पूरा शहर इनके कब्जे में है। जहां दूरदर्शन नहीं, ये लोग वहां भी हैं। कोई आपसे दुश्मनी हो सकती थी, मगर सुल्तान ने कभी बढ़ने नहीं दी। उसने उन सबको अलग करके एक कर दिया। इसे जानते हो ना? इसे कौन नहीं जानता, मशहूर फिल्म स्टार रेहाना। उससे भी ज्यादा मशहूर बात यह है कि आजकल ये सुल्तान मिर्जा के बहुत करीब है। बाकी सब छुपके काम करते हैं और सुल्तान के बारे में रोज अखबारों में छपता है। तुम खुद सोचो, आज का नौजवान जिसे छोटी मोटी नौकरी पाने के लिए भी बड़े बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, उसके लिए सुल्तान मिर्जा खुदा है। एक बार उसके रास्ते पर चलो, बंगला, गाड़ी, फिल्म स्टार सब मिल जाएंगे। जुर्म के रास्ते कितने ही मखमली क्यों ना हो सर, खत्म तो जेल के कंबल में ही होते हैं।
इसे जेल तक पहुंचाना इतना आसान नहीं है। गाड़ी चाहे कितनी भी तेज हो सर, उसे रोकने के लिए एक कील काफी है। You leave it to me, sir. Good luck. रामू, मोती, कहाँ चले गए सबके सब? घर में लाइट क्यों नहीं है? Cut. किसने कट बोला? Full lights. ओए मेरे होते हुए कट किसने बोला? कैमरा जब कर लो, ये सील करो सब कुछ, टाइम लगाओ सब कुछ, चलो। चलिए मैडम। ओ पाई साहब, कमाल करते हैं आप। ओ कौन है आप? पहले आप कट बोलते हैं, फिर आप डायरेक्शन देते हैं, आप आखिर हो कौन? ये फिल्मी सीन नहीं है, सरकारी सीन है, और इसे डायरेक्ट करने के लिए सरकार ने मुझे अपॉइंट किया। ACP एग्नल विल्सन, बॉम्बे पुलिस। बंद करो ये सब, चलो। मैडम लाइन में खड़े होने से मना कर रही है। ये मैडम नहीं है, मुरली बॉस है, सुल्तान मिर्जा की चहेती, कसूर तो ऊंचे होंगे ही। यहाँ रुबाब दिखाने से क्या फायदा? ये मिजाज अगर सुल्तान मिर्जा के सामने दिखा तो माने। मुझे पूरा यकीन है कि मेरा मिजाज और मेरा मैसेज दोनों सुल्तान मिर्जा तक पहुंच ही जाएंगे। हमारे पास पुख्ता सबूत है कि रेहाना की हर फिल्म में इसके यार सुल्तान मिर्जा का पैसा लगा है। अब ये पैसा सुल्तान ने कोई दूध बेच के तो कमाया नहीं है, तो गैर कानूनी पैसे से बनी हुई फिल्में भी गैर कानूनी। बंद कर दो ये सब। ओ नहीं भाई साहब, प्लीज ऐसा मत कीजिए, देखिए मेरा लाखों का नुकसान हो जाएगा। फिल्म अगर दोबारा शुरू करनी है तो अगली बार ऐसा कलाकार लेना जिसका स्मगलरों के साथ उठना बैठना ना हो, और भी बेहतर होगा कि वो उनसे नफरत करते हैं, वरना फिल्में शुरू तो होंगी, उन्हें खत्म नहीं होने दूंगा। चलो बंद करो सब। या मैडम, वो लोकेशन की परमिशन नहीं मिली है, इसलिए आज भी। किसी की लोकेशन तो किसी की स्क्रिप्ट नहीं फाइनल होती, और कभी हीरो डेट नहीं देता, तो आज भी शूटिंग कैंसिल। ठीक है, ये मेरे लिए ऐसे है जैसे तुम्हारे लिए वर्दी पहनकर देश से गद्दारी करना। देश से वफादारी किसी एक शख्स से गद्दारी से कहीं ज्यादा बढ़कर होती है। प्यार मेरे लिए वफादारी से बढ़कर है। तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो? जीना प्यार से बढ़कर। इंसान की दुखती रग उसकी हर ताकत से बढ़कर होती है। सुल्तान की दुखती रग हो तुम, और तुम्हारी एक्टिंग। ऐसे भी मुझे दो फिल्मों से निकलवा चुके हो तुम जीत गए। तुम सबूत लाइयो। तुम्हें मिलने का और क्या मकसद हो सकता है? ये लो। क्या है इसमें? ये समझ लो सुल्तान बंद है इसमें। जल्दी से इसे खोल कर देख लो, इससे पहले कि मुझे यहाँ तुम्हारे साथ कोई देख ले। ये फोटो मत छापिएगा, नहीं तो सबको पता चल जाएगा कि इस इंस्पेक्टर ने मेरा पीछा छोड़ने के लिए मुझसे रिश्वत ली है। ये तो फ्रंट पेज की न्यूज़ है मैडम, छपके रहेगी। ओ गॉड, प्लीज हटिए यहाँ से, हटिए। लेट मी गो। अम्मा,
तू जब जब मिलती है कुछ अच्छा जरूर होता है। बेटा कैसा है? महंगाई के साथ साथ वो भी तेजी से बढ़ रहा है। तू महंगाई की चिंता मत कर, बेटे की चिंता कर, उसे पढ़ा। मैं हूं ना। तुम जितना कर रहे हो ना, कोई नहीं करता। बस दुआ में याद रखना। एकदम से शातिर आदमी निकला। अरे एग्नल साहब को पता भी नहीं लगा और एकदम से पत्ता साफ है। 10 पैसे के अखबार ने एक बड़े ऑफिसर की इज्जत को उछाल दिया। अब सर आप क्या करेंगे, ट्रांसफर या रिजाइन? कौन हो तुम? क्या सर? कौन है तू? सोहेल खान। नाम नहीं पहचान बता। इंस्पेक्टर सोहेल खान, बॉम्बे पुलिस क्राइम ब्रांच। बीवी है घर पे? जी है। रात बाजारों के साथ गुजारता है या बीवी के साथ? बीवी के साथ सर। तनख्वाह तो तू पुलिस की लेता है, रिश्वत किस किस की लेता है? सर इसका इल्जाम कोई नहीं लगा सकता मुझ पे। माँ बाप के साथ बदतमीजी करता है, पचलुकी करता है उनके साथ? सर क्या बात कर रहे हैं, दोजक में थोड़े ही ना जाना है मुझे। जब तू कोई गलत काम नहीं करता, इंस्पेक्टर सोहेल खान बंबई पुलिस क्राइम ब्रांच, तो एक गुंडे की हरकत पे ताली क्यों बजा रहा है? आज के बाद सुल्तान मिर्जा का नाम सुनकर तुम्हारा खून नहीं खोला तो ठंडा कर दूंगा सबको। तो ना ट्रांसफर ना रिजाइन, पिछवाड़े में लात मार के बाहर निकाल दूंगा। अभी बाकी है, मुझे एक सुराख, एक मौका, एक मोहरा चाहिए तुझे खत्म करने के लिए। अगर मैं तेरा बाप नहीं होता ना, तो इस वक्त तेरे पे मुकदमा चल रहा होता और सालों तक जेल में सड़ता तू। उस लड़के ने तुझे देख लिया था, पर मैंने बात घुमा दी। मैंने कहा कि मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। घूर मत, सड़ आज रात तू जेल में, ऐसे काम का यही अंजाम है। बैठ। अब्बा। क्यों आ गई अकल ठिकाने? अपनी अकल देखिए, ताला खुला छोड़ दिया। तेरी तो खान। गर्म जोशी अच्छी चीज है, लेकिन अगर हद से बढ़ जाए तो खुद को जला देती है। बर्फ की तरह ठंडा रहने का भी क्या फायदा साहब, थोड़ी देर अकड़े फिर पिघल गए। जो खुद नहीं पिघलते उन्हीं को पिघलाने के लिए कानून बना है। कानून तो मुझे अपने बाप जैसा ही लगता है, कमजोर लाचार गरीब। चुप कर बदतमीज। यही है आपका कानून? हाँ, एक तमाचा, चार बात, एक रात हवालात। एक मशवरा है, अगर किसी चीज की लत पड़ जाए तो वो लत आदमी की पहचान बन जाती है। पहचान ही तो बनानी है ना साहब, और शहर में करना ही क्या है, चाहे वो रास्ता गलत ही क्यों ना हो। रास्ते की परवाह करूंगा तो मंजिल बुरा मान जाएगी।
one of the wildest now in Princess Crash and all the main track of their customary parade. Let's have a look at the bookmaker's order with number 6, C value. The fighting hot favorite here at 10-3 on be run by jockey M. Jungle. We got a big jump with number 5, Lakadima, at 5-1. Number 4, Polish Patriot, at 6-1. Then we got number 3, Inside Soul, and number 10, Maverick, at 7-1. Salam, Sultan Bhai. Number 11, Lampard. कौन सा घोड़ा खेला है? 6 नंबर। लेकिन तुम यहाँ घोड़े के लिए नहीं आए हो। काम बोलो। रेस खत्म हो जाए फिर बात करते ना सुल्तान भाई। रेस खत्म होने के बाद मैं यहाँ क्या करूँगा? बोलो। थोड़ी निजी बात है। मेरा बेटा हाथ से निकल गया है। कल खुद मैंने उसको जेल में बंद किया है। मेरी बात सुनता ही नहीं है, बिगड़ता जा रहा सुल्तान भाई। अगर आप, मैंने सोचा था आप कुछ कर देंगे तो अपनी तरह वर्दी और वतन की कसम दिला दो। उसके बस की बात ही नहीं है सुल्तान भाई, गरम खून है, किसी की बात सुनता ही नहीं है। मैं इसलिए आपके पास आया हूँ सुल्तान भाई। जिंदगी भर मैंने किसी से कुछ नहीं मांगा, सिर्फ एक बार आप अगर मेरी मदद कर दें तो। आपके इतने सारे बिजनेस हैं जिनका पुलिस से कोई वास्ता नहीं है सुल्तान भाई, किसी एक में लगवा दीजिए, लड़के की जिंदगी सुधर जाएगी। तेरे बाप ने आज तक कभी रिश्वत नहीं ली, ये भी उधार है, कमा कर चुका देना और अपने बाप का नाम रोशन करना। आइंदा कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। कोशिश करूंगा, कम से कम आपको तो खुश रख सकूं। शोएब की मदद करने के लिए आपका शुक्रिया। अपना और इसका चालू है भाई। शुक्रिया। सही लोगों से पहचान बना लिए शोएब, अब तो तेरी मंजिल भी तुझे मिली जाएगी। क्या खान, 18 साल में तूने कभी प्रसाद नहीं खाया और आज भगवान ही बदल लिया। हमारी तस्वीरें खींच के अपनी दुकान में लगा लेना शोएब, कभी जरूरत पड़े तो दोनों में से एक भगवान चुन लेना। इस खेल में जो पावर है ना उसका नशा ही अलग है। अपनी दुकान की तरफ ध्यान दे शोएब, अगर मैं तेरी जगह पे होता ना तो इन स्मगलर्स से इससे आगे की दोस्ती तो कभी नहीं रखता। मैं भी दोस्ती नहीं रखना चाहता, सिर्फ बड़ा बनना चाहता हूँ, फिर उसके बाद सारी दुनिया राख की तरह नीचे और खुद धोए की तरह ऊपर। मेरे जो जेवर चोरी हुए ना ये उसके आगे कुछ भी नहीं है। और आप क्या खड़ी खड़ी मुस्कुरा रही है, हमें जरा और जेवर दिखाएंगी आप? तुम्हें मेरे जेवरों की फिक्र होती तो इस वक्त तुम पुलिस स्टेशन बैठे होते। 40 बार फोन कर चुका हूँ मैं। मैडम हम आपको कोई हार दिखाए? ये देखिए, पहले इसे उतारो जो पहना हुआ है। नहीं मैम ये बिकाऊ नहीं है। कमीनी चोर मेरा हार पहन के मुझे ही तेवर दिखा रही है। क्या? चल उतार, उतार इसे। ये तुम क्या कह रही हो? अरे देखो रमन ये मेरा हार है, मेरी निशानी लगी है इस पर। चल उतार इसे चोर कमीनी। हद से ज्यादा पड़ रही है, हम आपको कुछ नहीं कह रहे और आप हमें चोर चोर कहे जा रही है। ठीक है तूने नहीं चुराया होगा लेकिन किसी चोर से तो लिया होगा ना तूने। क्या बात है मैडम? अरे ये मेरा हार पहना हुआ है इसने, मेरे घर से चोरी हुआ था, पूछे से कहां से आया इसके पास। चोर नहीं है ये, हार हमें शोएब ने दिया है। शोएब? ये शोएब कहां मिलेगा? शोएब,
चोर कहीं का हाँ। तुझे चोरी का हार दिया इसने हाँ। नहीं आया था हमारे घर हमें हाँ। बांध कर गया तो सारा सामान लेकर गया था हाँ। अरे क्या हाँ कर रहे हो यहाँ पर छड़ियों पर अंदर जाकर देखो सामान भेज दिया बेच खाया ऐसे कैसे बेचेगा सामान हमारा बेचेगा ये अरे ओ भाई अरे हमारा सामान कहाँ है अबे हमारा रेडियो हमारा टीवी देखिए भाई साहब ये भाई साहब हमारे घर में आए हम बांध के चले गए और हमारा सारा सामान लूट लिया टोकरी तो यहाँ रखी है देखो अरे अरे भाई सुन रहे नहीं आप अरे ओ भाई सुन रहे नहीं आप ये घोड़ों पे पैसे लगाते लगाते गधे पे कब से लगाने लग गए डुबो दिया ना इसने सब शेर से हल चलाओगे तो किसान तो मरेगा ही भाई का एहसान मानना तो दूर तेवर देखो साहब के एहसान अब्बा पर किया था मुझ पर नहीं अपने साथ काम करने दो फिर देखो नुकसान का पैसा दुगना वापस नहीं किया तो कहना तुझे क्या लगता है ये धंधा आम का बाग है कि चार पत्थर जेब में डाले और घुस गए कोई भी धंधा आदमी की हिम्मत से बड़ा नहीं होता हिम्मत बताई नहीं दिखाई जाती है डालेंगे उसे कश्ती लहरों से टकराएगी तो ही किनारे नसीब होंगे ने कहा था ना एक भगवान चुन लेना चुन लिया आप बोलो आप सही इंसान चुनने की नजर रखते हो या नहीं क्या कहा तूने कुछ नहीं आज के बाद तो सिर्फ वही बोलेगा जो मैं सुनना चाहता हूं चंद्रो जी भाई इसे काम सिखाओ चलो चल चल सुल्तान ये आदमी टेढ़ा लगता है मुझे सीधे लोगों का हमारे धंधे में क्या काम ये जरूर कुछ बड़ा करेगा क्यों क्योंकि इसे जिंदगी से ज्यादा अपनी जीत प्यारी है साहब मुझसे बड़ी गलती हो गई शोएब भी सुल्तान के गैर कानूनी रास्तों पे चलने लगा है अब मैं क्या करूं साहब कुछ समझ में नहीं आ रहा है
गुफा में अंधेरा कितना ही हो खान, किनारे पे रोशनी जरूर होती है। शोएब को अभी सुल्तान की चमक के आगे कुछ दिख नहीं रहा है। जिस दिन चमक जाएगी अकल आ जाएगी। और फिर हम में से एक है, कुछ होने थोड़े देंगे उसे। तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। कुछ लोग अपना बुरा वक्त पीछे छोड़ने के लिए बहुत तेज रफ्तार पकड़ लेते हैं। शोएब भी उन्हीं में से एक था। हर कंप्लेंट, हर फाइल, हर रिपोर्ट पर उसका नाम आने लगा था। तब मुझे लगा कि अपने खान का लड़का है तो शायद सुल्तान, वर्धन, पठान, विष्णु और वर्गीस, इन पांचों को खत्म करने के लिए शोएब मोहरा बन सकता है। और यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। कोयले की खान में मशाल से रोशनी करने चला था, चारों तरफ आग लग गई। अभी ये लोखंड का ताला है, खादी की जेब नहीं कि ब्लेड मारो माल। अरे तू रुकना, अपने को तो डाउट है यार, एक मिनट में बिना चाबी के ये ताला कोई खोल ही नहीं सकता। तू बेकार की बात करना बंद कर और सुन, वो वायर दे। ये? अरे वो वायर देना। शोएब, क्या ये है, क्या ये? अरे ये तो पुलिस का सामान है, तू कहां से ढक के लाए इसे? तू एक काम कर, फेंक दे इसको, अपने में कोई काम नहीं है यार, इसका फेंक दे। ये घोड़ा है घोड़ा, बड़े बड़े जिंदगी की रेस हार जाते हैं इसके सामने। इसकी लगाम जिसके हाथ में, पावर उसी का। एक मिनट में या तो बाजी पलट जाती है या खेलने वाला। अरे शोएब क्या कर रहा है यार, छोड़ उसे, हटाना यार, क्या कर रहा है? जावेद बोल रहा है यार इसको, शोएब छोड़ ना। यहां मैंने उंगली दबाई और वहां तो खत्म। शोएब छोड़ना यार, जाने दे यार। जब मैं और ये सुल्तान मिर्जा के साथ खड़े होंगे ना, तो उसकी ताकत दुगनी हो जाएगी, दुगनी। आदमी शराब पीने के बाद रोमांटिक हो जाता है, चांद तारों की बातें करता है, और एक तुम हो कि फ्लैशबैक में चले जाते हो। जो अपने बीते हुए कल से भागता है वो जिंदगी की रेस कभी नहीं जीतता। अब 2 साल हो गए मुझे तुम्हारे साथ, रोज शराब पीते हो, रोज सुल्तान मिर्जा से मिर्जा गालिब बन जाते हो। इंसान को वक्त के साथ बदलना चाहिए। वक्त भी कहां बदलता है, सिर्फ गुजरता है। तुम्हारे हाथ में होता तो तुम क्या बदलते? तुम्हें छोड़ के सब कुछ। एक्सक्यूज मी मैम, ऑटोग्राफ प्लीज। थैंक यू मैम, मैं हमेशा इसे अपने दिल के पास रखूंगा, गलती से खर्च ना हो जाए। थैंक यू सो मच। ऐसे ही बटा हुआ हिंदुस्तान 2 टुकड़ों में। अमीर ने 1000 का नोट फाड़ दिया, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, और गरीब ने तो आज तक 1000 का नोट देखा ही नहीं होगा। मेरे पास एक आइडिया है, तुम्हारे ऊपर एक फिल्म बननी चाहिए, बनने से पहले ही सुपरहिट है। अब तो मुझसे एक्टिंग करवाओगी? एक्टिंग किसी और से करवा लेंगे, वो नया लड़का है ना अमित, नया सुपरस्टार, बहुत सूट करेगा, उसकी आंखें भी तुम्हारी तरह हैं, बहुत बोलती हैं। खाना ऑर्डर करें? यस। खाना कैसा है? गरम, तेरी तरह। हमारा मतलब है बना कैसा है, नमकीन और तीखा तेरी तरह। तुम भी ना, पता भी नहीं चलता है सच कह रहे हो या हमें बना रहे हो। लड़कियों की यही आदत तो बुरी है, सच कहो तो कहती हैं बना रहे हो, और जब उन्हें बनाओ तो उस बात को सच मान लेती हैं। एक बात पूछें, बनाओगे तो नहीं? पूछो। वो हार वाली बात दोबारा नहीं होगी ना?
दोबारा ना तो उस हार की बात करना ना मेरी हार की। मुझे बस जीतना है, आगे बढ़ना है। वो गली, वो मोहल्ला, वो काम सब छोड़ दिए जो मुझे पीछे खींचते थे। खाना तो खा लो। नया घर लिया ताकि तुमसे उस भीड़ भाड़ में न मिला पड़े। देख मेरी तरफ, ये नायलॉन सिल्क शर्ट है, ये पता कितना महंगा है। इस घर में 2-in-1 है, फोन है, कितने घरों में होता है, क्या ये सब तरक्की? सुल्तान मिर्जा के लिए काम कर रहा हूं मैं, जानती इसका मतलब? हाँ जानती हूँ, और हमें ये भी पता है कि उस काम में कितना खतरा है। हाँ मैं आ रहा हूँ। सुल्तान, वो 3 बत्ती पे जो अपना गजरे वाला मनिया है उसने खबर भेजी है, एग्नल को अपना पूरा प्रोग्राम मालूम है। डबल ढोल की हो मनिया, एग्नल के कान में भी उसी ने मुता होगा। एग्नल को पता है ना, तो सारी सड़कें खोद डाली होंगी उसने। अरे वो अपनी गाड़ी निकलने ही नहीं देगा। तो क्या करें, वर्धन के पैसे लौटा दें? अरे अपनी इज्जत की माँ भी नहीं खोजा कि सुल्तान भाई आज जो झुक कर सलाम करते हैं ना, कल दूर से खुदा हाफिज के निकल जाएंगे। तो क्या करें, ये बड़ी बड़ी बातें करना बड़ा आसान है लेकिन ये काम नहीं। करना क्या है, चेक ने कड़वा के निकल जाएंगे और क्या। ए चंद्रू, दिमाग से काम ले जरा। हे, प्लान करना होगा कुछ। अरे ये तो मेरे साथ की गाड़ी है, इन्हें कौन रोकेगा? सुल्तान और उसके चमचों की गाड़ियों को बराबर चेक करेगा। ठीक है, ए खोल दो गेट, ए खोल दो, जल्दी खोलो। मेयर साहब बैठे, मुझे मेयर की नई गाड़ी की तलाशी लेनी है। डिक्की खोलो। ये क्या बदतमीजी है, मेयर होते हुए भी स्मगलर की पार्टी से आप आ रहे हैं और बदतमीज मुझे कह रहे हैं? मुझे मेरी ड्यूटी करने दीजिए। डिक्की खोलो, तलाशी लो, चलो बोनट खोलो। जल्दी करो, बहुत माल बाकी है। आज तो मजा आ गया, चल जल्दी कर, चल। आज तो पुलिस वाले बन के एकदम छा गए ले शोएब भाई। आज पहली बार अब्बा की वर्दी काम आई है। हाँ? अरे संभालो, उसमें घड़ी और ट्रांजिस्टर्स हैं। अबे ओए, माल उठाने की जानी तेरे अंदर, एक दूंगा साले। कुछ टूटा तो नहीं? नहीं शोएब, इसमें तो टूटने वाला सामान है ही नहीं। और ये बात सुल्तान भाई को हजम नहीं हुई यार। सलाम भाई। चीते की रफ्तार से, अजगर की पकड़ से और सुल्तान के दिमाग से कोई नहीं बच सकता। ये काम इस लड़के ने किया है वर्धन। अगर मैं होता तो माल यहां तक पहुंचता ही नहीं। क्या सुल्तान, तुम काम हाथ में लो और वो पूरा ना हो, ये मैं नहीं मान सकता। ये तो मानोगे कि आज मेरा जन्मदिन है, आओ केक काटते हैं।
अरे सुल्तान, पहले बताने का था ना, मैं तेरे लिए अच्छा सा गिफ्ट लेके आता था। हाँ बोल बोल, क्या चाहिए तुझे, बोल। माचिस है। माचिस? ये ले। ए सुल्तान, ये तूने क्या किया है? पागल हो गया तू? अरे तेरे को मुनाफा ज्यादा दिखाई दे रहा है क्या? हिस्सा ज्यादा चाहिए तुझे तो बोल, मैं देगा तेरे को। बर्दन, मैं उन चीजों की स्मगलिंग करता हूं जिनकी इजाजत सरकार नहीं देती, उन चीजों की नहीं जिनकी इजाजत समीर नहीं देता। उस काम के बाद शोएब नहीं रुका, उसका नया दिमाग, उसकी नई सोच उसे धंधे में काफी आगे ले गई। उसने एम्बुलेंस में सोने की स्मगलिंग शुरू कर दी। लोगों में भी उसका खौफ बढ़ता जा रहा था, पर मैंने आंखें बंद कर रखी थी क्योंकि शोएब सुल्तान के करीब आ रहा था। शोएब को एक आदमी की तलाश थी, मेरा खबरी, जोनी के बीच रहकर उन्हें धोखा। ये मुझे क्या हो रहा है? कुछ नहीं होगा, दो मिनट। पैट्रिक जल्दी, मुझे कुछ दिखाई दे। जल्दी पैट्रिक। ए, रुक। गाड़ी में मरीज है, थोड़ा अर्जेंट है, अस्पताल जाना है, हमें जाने दो। बाहर निकल। सुना ना तूने? जाने दे। लगता है तूने नहीं सुना। अबे साले, एम्बुलेंस में सोना लेके जाते हो और गाड़ी में मरीज, पुलिस को क्या बेवकूफ समझ रखा है? चल बाहर निकल। ए ड्राइवर, चल गाड़ी की डिक्की खोलो, तलाशी दे। ए वर्दी, तलाशी लेनी है ना तुझे गाड़ी की? ए! मैं दिखाता हूँ तुझे गाड़ी का। कुरो, कुरो! देख, देख, देख! दिखा कुछ। ए सदा, चलो डिक्की चेक करते। पूरी गाड़ी दिखाता हूँ। देख कुछ है क्या? सुल्तान, शी इज सफरिंग फ्रॉम कॉन्जेनिटल हार्ट डिसीज। मैं समझा नहीं। मतलब उनके दिल में छेद है। अक्सर ये बीमारी बच्चों को मां के घर में ही लग जाती है, बचपन में ही पता लग जाता है। तो अब इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, बस कुछ और साल। I'm sorry, I'm really sorry. जितना हो सके उतना ख्याल रखिए। आप उनसे मिल सकते हैं। छोड़ने की बात कर रहा है? बंबई ने मुझे जो कुछ दिया है
वो सब मैं रिहाना के लिए छोड़ सकता हूँ। कोई फिक्र नहीं, फिक्र है तो सिर्फ इस बात की कि बंबई का दिल बहुत बड़ा है, डरता हूं कोई इसे तोड़ ना दे। आज तक सब लोग चुप हैं सिर्फ हमारे धंधे की वजह से। धंधा छोड़ दिया ना, सबकी आवाज खुल जाएगी। मैं जो कुछ भी हूं अपने धंधे की वजह से नहीं, अपने फैसलों की वजह से हूं। आज तक इस शहर ने मेरा हर फैसला माना है और आगे भी मानता रहेगा। नहीं सुल्तान, अगर हम धंधे में नहीं रहेंगे तो जिन लोगों की गर्दन आज तक हमारे सामने उठी नहीं, उनका हाथ हमारे गिरबान तक होगा। उसके बाद डर खत्म, इज्जत खत्म, कानून हमारे पीछे। इन चीजों को काबू में रखने के लिए धंधा नहीं दिमाग चाहिए। मैं अपनी जिंदगी का तरीका बदलने जा रहा हूं, तेवर नहीं। आज फिर मैं बकरा, हमेशा मेरी भाई। सलाम। सलाम भाई। सलाम भाई। ये बेचारी इतना नहीं नाची होगी जब इसमें शराब थी, तो अब इतना क्यों घूम रही है? भाई हम तो बस यूं ही खेल रहे थे। तो खेल भाई, अगर आप नहीं मिलते तो मैं मिट्टी में मिल जाता। जब तक नाल और नकेल नहीं लगती, हर घोड़ा खच्चर ही लगता है। इस घोड़े की लगाम जब तक आपके हाथ में, ना ये रुकेगा ना बैठेगा। तो कान से नहीं दिमाग से सुन। मैं दिल्ली जा रहा हूं, मुझे आने में थोड़ा वक्त लगेगा। तब तक यहां का धंधा तू संभालेगा। और याद रखना, ना ही ये विरासत है और ना ही खैरात। कोशिश करूंगा, इस बार शिकायत का मौका ना दो। मौका मिलेगा भी नहीं। ने शहर को 5 लोगों में बांट दिया है। शहर है द्रौपदी। तू पीने के बाद कुछ भी बोलता है। मजाक नहीं जावेद, इस शहर को चलाने के लिए सिर्फ 2 लोग चाहिए, सुल्तान और मैं। बाकी पांडू सब बनवास जाएंगे। तू करना क्या चाहता है? इसे चूमना चाहता हूं, बाहों में भरना चाहता हूं, खेलना चाहता हूं, वो सब करना चाहता हूं जो मुझे ऊपर तक लेके जाए। सुल्तान से भी ज्यादा ऊपर? उससे ऊपर नहीं तो उससे कम भी नहीं। लोग सुल्तान को स्मगलर कहकर बुलाते हैं। सुल्तान मुझे डॉन कहकर बुलाएगा और मुझे अपने गले से लगा लेगा। मेरी नजर से देख जावेद, ऐसा लगता है किसी और की महबूबा अपनी मुट्ठी में आ गई हो। मुट्ठी खुल गई तो मैं वो बाहर से निकल जाएगी, इससे मसल दूंगा लेकिन निकलने नहीं दूंगा। और कितना टाइम लगेगा? मंत्री जी थोड़े व्यस्त है, मिलेंगे, थोड़ा रुकना पड़ेगा। शोएब भाई, एक काम है जो सिर्फ आप ही कर सकते हैं। मुझे अपने भाई को मरवाना है। काम खत्म होने के बाद मेरा आदमी तुम्हें यह सुपारी का टुकड़ा दे देगा, जोड़ के देख लेना,
और माल दे देना, काम हो तो जाएगा। अब सुपारी लिए तो चूना नहीं लगाऊंगा। ये पहली सीढ़ी है जावेद, देखना सुल्तान के लौटने से पहले मैं इस 5 लाख को 50 में कैसे बदलता हूँ। सर, सुल्तान साहब आपसे मिलने के लिए रोज आ रहे, क्या जवाब दूँ? मैं कौन हूँ? गृह मंत्री, और वो बम्बई का एक मामूली गुंडा। उसे क्या लगता है कि हम उसके लिए यहाँ बेकार बैठे हुए हैं? बैठा रहने दो उसे। शराब बेचने के लिए कोई मंत्र नहीं पढ़ने पड़ते, जो सिर्फ वर्धन जानता है। ये काम इतना आसान है कि चंद्रू भी कर सकता है। आज से अपनी भट्टी होगी, अपना मुनाफा। ए, कालिया को बुला। सुल्तान भाई, हम सबको भट्टी में डाल देंगे। तू जानता है ना कि कालिया के नाम से कितना तप जाते हैं? एक पैसे का भरोसा नहीं उन्हें कालिया पर। उनका भरोसा मुझ पर है, इसलिए अपनी कुर्सी पर मुझे बिठाया है। जो बोला है वो कर, दिमाग नहीं है तो मत चला। सुना है सुल्तान मिर्जा के नाम से पूरी बम्बई कांपती है, लेकिन ये तो यहाँ भीगी बिल्ली बन के बैठा है। ऐसा है, एक दिन जब ये बिल्ली पंजा मारेगी ना, अंदर जो गंजा बैठा है चूहे की तरह बिल ढूंढता फिरेगा। क्या बात है, बड़ा खतरनाक आदमी है ये तो। हल्के में मतलब चुप रहे बस। गन चलाना बहुत आसान है, लेकिन उसको संभाल के रखना बहुत मुश्किल है। हमारे धंधे में आज तक किसी ने इसको इस्तेमाल नहीं किया है। वक्त तेजी से बदल रहा है, अगर धंधा शांति से करना है तो धमाके तो करने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो सुल्तान के आने तक रुक जाओ। अगर मैं रुक गया तो दुनिया आगे निकल जाएगी, वर्धन और पठान ये लोग बाजी मार जाएंगे। वो लोग हमारे दुश्मन नहीं है शुएब। धंधे में कोई किसी का दोस्त नहीं होता पैट्रिक। हम क्या चाहते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, सुल्तान क्या चाहता है वो जरूरी है। लेकिन इस वक्त यहां सुल्तान नहीं, मैं हूं। आपके खराटे भी आपके भाषण की तरह हैं, लंबे लंबे। तुम यहां कैसे आए? मंत्री, अभी तक हम इतने मामूली भी नहीं हुए कि कहीं पहुंचना चाहे और कोई रोक ले। क्या बदतमीजी है ये? मेरा मतलब है कि क्या चाहिए तुम्हें? खादी, कीमत बोलो। ये मुमकिन नहीं है, आजकल सरकार नई पार्टी बनाने की अनुमति नहीं दे रही। जब से होश संभाला है मैंने काम ही वही किया है जिसकी अनुमति सरकार नहीं देती। अगर अनुमति दे दे तो सरकार को क्या मिलेगा? सुल्तान मिर्जा का नाम ही काफी है, सामने वाले की जमानत जब्त हो जाएगी। मुझे उस शराब की एक एक बोतल चाहिए जो शोएब की भट्टी में से निकली है, और सारी शराब गटर में बहा दो। किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए कि पुलिस का काम है, अंडरस्टैंड? आप सारे सबूत मिटाना चाहते हैं सर? इससे तो शोएब का हौसला और बढ़ जाएगा। कालिया बयान दे चुका है, 12 लोग मर गए उसकी शराब को पीकर। हम शोएब को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे? क्या होगा उसे? दारा को सुल्तान ने मारा था ना, क्या हुआ? 10 मिनट में छूट के चला गया, ये भी छूट जाएगा? इन सालों के पब्लिसिटी एजेंट बनकर रह गए, हम इन्हें गिरफ्तार करते हैं और ये साले रिहा हो जाते हैं। मतलब हमारा सारा काम इनके कारनामों पे पर्दा डालने के लिए है। इनको तो मैं ऐसा तोड़ूंगा कि फिर कभी जुड़ नहीं पाएंगे। इनकी ताकत इनकी एकता में है, एक बार ये मिट्टी खुल गई तो सबकी गर्दन हमारे हाथ में आ जाएगी।
इससे पहले कि मैं तेरी आंखें हमेशा के लिए बंद कर दूं, अपने सारे धंधे बंद कर दे। मेरे जैसे कपड़े पहन के तू सुल्तान मिर्जा दिख तो सकता है, लेकिन बन नहीं सकता। पैट्रिक, शहर साफ चाहिए। बस करो और मत पियो। हाथ हाथ नहीं उठाना चाहिए था। बचपन में अब्बा ने मुझ पे हाथ उठा के मुझे उनके खिलाफ कर दिया था। ना तो अब मैं बच्चा हूं, ना सुल्तान मेरा बाप। मुझे लगा बाप से ज्यादा मेरी इज्जत करता है, इसलिए उस पे धंधा छोड़ा। लेकिन उसकी फितरत में धोखा है। बाप को धोखा दिया, मुझे धोखा दिया, मुमताज को धोखा देगा, एक तेरे शहर को धोखा देगा। गलती मेरी थी, मैंने सोचा था हम दोनों मिल बांट के राज कर लेंगे, लेकिन राजा सिर्फ एक ही हो सकता है। मैंने उसे अपना सिपाही बनाया, वो शहर का राजा बनने चला है। इस शहर पे सुल्तान का नाम नहीं लिखा है कि वो जो चाहेगा वैसे ही होगा। वरदा ने कुछ करना चाहा, उसे रोक दिया। मैंने कुछ करना चाहा, मुझे रोक दिया। खादी का कीड़ा काटा है, नेता बनेगा। ये धंधा स्पीकर की आवाज से नहीं, गोली की आवाज से चलेगा। पैसे के लिए गोलियां चलाई, खून बहाया। जिन उंगलियों को घोड़े की आदत लग जाए उनमें लगाम डालना मुश्किल हो जाता है। इसका मतलब वो इस रास्ते पे इतना आगे निकल चुका है कि उसे रोकना नामुमकिन है। शोएब, आगे बढ़ने से पहले सोच लो, कहीं रास्ता गलत तो नहीं। ये रास्ता भी मेरा है, ये फैसला भी मेरा है, और ये शहर भी मेरा होगा, समझी? क्या हो गया तुम्हें शोएब? डर लग रहा है हमें। कैसी बातें कर रहे हो तुम? हम सोचते थे तुम सबसे अलग हो, पर अब हमें लगता है हम तुम्हें जानते ही नहीं है। कौन हो तुम शोएब? तुम्हारी बात का जवाब दे दिया तो तुम्हारा सवाल बुरा मान जाएगा। बस बहुत हो गया सवाल जवाब, अब देखना यह है कि आंख मिला के बात करता है या पीठ पीछे वार। रात की सोच बहुत काली होती है शोएब, जाकर सो जा। तुम जागती रहना, मुझे नींद नहीं आई तो वापस तुम्हारे पास ही आऊंगा। सुल्तान भाई कहाँ जा रहे? हम चलते हैं ना साथ में। हाँ जैसे कपड़े पहन के तू सुल्तान मिर्जा दिख तो सकता है, तो सकता है, लेकिन बन नहीं सकता, बन नहीं सकता, बन नहीं सकता। अंदर आ जाओ। तू तो दुश्मन है। दोस्त ने हाथ उठाया है, दुश्मन बढ़ा रहा है। सोचो मत, बैठ जाओ। सुल्तान तुम्हारा रफ्तार से डर गया है, उसको मालूम है कि तुम अपना रास्ता
खुद बनाएगा। इसलिए तुम्हारा हिम्मत को बढ़ाने की बजाय वो तुमको दबाना चाहता है। वो बदलाव से डरता है। अगर हमें आगे बढ़ना है तो सुल्तान को रास्ते से हटाना होगा। फैसला तुम्हारा है। याद रखना, जो वक्त से हाथ नहीं मिलाता वो वक्त गुजर जाने के बाद अपना सिर पकड़ के रोता है। सुल्तान को मौत भी सुल्तान वाली ही देंगे। कल उसकी रैली है, लेकिन वहां पे शोर नहीं, मातम की खामोशी होगी। लेकिन याद रहे, अगर सुल्तान बच गया तो हम सब खत्म। बेटा क्या हुआ? अबू, वो सुल्तान को मारने के लिए निकले हैं। आप कुछ कीजिए, रोकिए उन्हें, हमें बहुत डर लग रहा है। तुम घर जाओ, मैं कुछ करता हूँ। तुमने सरकार में आने की सोची और सरकार ने भी गलत काम शुरू कर दिए तुम जैसे को शामिल करके। जब दोस्त बना के काम हो सकता है अग्निल साहब, तो फिर दुश्मन क्यों बनाए? आज मैंने सरकार को भी दोस्त बना लिया। अगर ये गलत काम बंद नहीं किए ना, तो ये नया दोस्ती तुम्हें सबसे भारी पड़ने वाला है। आदमी हालात बिगाड़ने के लिए बुरे काम नहीं करता, हालात सुधारने के लिए करता है। क्या आपके इन हालात में जरूर सुधार आएगा, हर नल में पानी होगा। तुम्हारा मतलब है कि हर कोई अपने हालात सुधारने के लिए बुरे काम शुरू कर दे? सर, हर कोई गलत काम ना करे, इसलिए किसी ना किसी को तो सुल्तान मिर्जा बनना ही पड़ता है। कुछ लोगों की मदद करके तुम्हें लगता है कि तुम मसीहा बन गए? हमारी पार्टी ने आप ही के एक हमदर्द को चुना है, और वो है सुल्तान मिर्जा। जवाब मिल गया मियां साहब, या कोई और सवाल है मन में? मैं जब बचपन में भाषण सुनता था तो सोचता था नेता को पत्थर मारूं और भाग जाऊं। लाउडस्पीकर की आवाज सुनकर कभी अमीरों ने जमघट नहीं लगाया, गरीब ही हमेशा खींचे चले आते हैं। ये सोच के कि आज उनके मतलब की बात होगी, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। वो बोल कर चुप हो गए और हम चिल्लाते रह गए। एग्नेल साहब, सर, सुल्तान को यही मारने का प्लान है। क्या? कौन? शोएब। सुल्तान पीछे नहीं हटेगा, हमें शोएब को ही रोकना पड़ेगा। शोएब, तुम जाके वहां डेस्क के सामने खड़े रहो और अपनी आंखें खुली रखना। तुम अपने आदमियों को लेकर पीछे से आओ। आजादी तो सिर्फ अमीरों को मिली है, बाकी सब आज भी गुलाम हैं। पहले अंग्रेजों के थे, अब गरीबी के हैं। सब
हर किताब की किस्मत में लाइब्रेरी नहीं होती, कुछ किताबें कबाड़ी की दुकान पे भी मिलती हैं। हम सब उन किताबों में से। आज तक आप लोगों ने मेरे यहाँ फरियाद तब की जब आपकी किसी ने ना सुना, ना पुलिस ने, ना सरकार ने। उन सब के बाद आप मेरे पास आए, लेकिन अब आप सबसे पहले मेरे पास आ सकते हैं। अम्मी अम्मी, मुझे पिस्तौल चाहिए। घर पे है ना बेटा? अम्मी मुझे वो चाहिए। मैं अपने काम करने का तरीका बदल रहा हूँ, तेवर नहीं। सारी जगह सील कर दो। कौन है साथ? सर कह रहा था दो लोग हैं, दोनों मिल गए, खतरा टल गया सर। जब तक शोएब है खतरा है। दोनों पकड़ा गया, प्लान फेल, अब सुल्तान को धर नहीं मार सकता। लिए जरूर था, लेकिन अब लगता है जब तक आप लोगों के सपने पूरे नहीं होते मुझे भी नींद नहीं आएगी। चलता हूं, दुआ में याद रखना। सुल्तान भाई, ऐसा नहीं, रेहाना जी को बुलाइए। चोरी कर लिए किंग क्राउन ने।
अरे क्या बात है पार्टनर, इतना गुस्सा किस बात का? इस बार फिर वो किंग क्राउन हमारे हीरे ले उड़ा। हम तो समझते थे कि सिर्फ हम ही है जो सफेद कपड़े पहनकर काला धंधा करते हैं, मगर वो किंग क्राउन हमसे बड़ा चोर है। अगर वो इसी तरह हमारे हीरे चोरी करता रहा तो एक दिन तो हम कंगाल हो जाएंगे ना। नहीं पार्टनर, तुम कंगाल नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। बेजान हीरों के अलावा तुम्हारे पास जीते जागते हीरों की खान है, हीरों की खान। तुम्हारे दोस्त की बेटी कंचन जो करोड़ों रुपयों की वारिस है। अरे पार्टनर, मगर वो करोड़ों रुपए तब तक नहीं मिल सकते जब तक उस कंचन की शादी नहीं हो जाती। अरे तो लंदन से अपने भाई को बुलवा क्यों नहीं लेते? आते ही शादी करवा देना दोनों की। अच्छा निशाना, वो भी लड़की का, पहली बार देखा, वंडरफुल। ए मिस्टर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ताली बजाने की? अगर ताली बजाने का इतना ही शौक है तो किसी कव्वाली पार्टी में शामिल क्यों नहीं हो जाते? अगर आपकी कोई कव्वाली पार्टी है तो हम उसमें शामिल होने के लिए तैयार है। शायद आप, बाय द वे आप है कौन? आशिक। शायद तुम मेरे गुस्से से वाकिफ नहीं हो। मैं चाहूं तो तुम्हारी कहानी हमेशा के लिए खत्म कर सकती हूँ। हमारी कहानी इतनी आसानी से खत्म नहीं होगी मैडम। वैसे कहानी आपने शुरू की है, इसे आगे मैं बढ़ाऊंगा। हमारा अंदाज आपको पसंद आया? आपने दिल बनाया और हमने अपने दिल की बात उस पर लिख दी। आपका निशाना बहुत अच्छा था, आपने जो किया अच्छा किया। थैंक यू। आपका नाम क्या है? आशिक। आशिक? मैम, मेरा बैग। हमें बेहद अफसोस है पुखरा साहब कि बेहतरीन प्लानिंग और पुलिस के बंदोबस्त के बावजूद हम उस किंग क्राउन को पकड़ नहीं सके और ना ही आपके हीरों को बचा सके। अरे आपके अफसोस करने से मेरा लाखों का नुकसान तो नहीं पूरा होता ना आईजी साहब? हैं? ये पहली दफा नहीं हो रहा है मेरे साथ, तीन बार हो चुका है मेरे साथ। बुकिंग ग्राउंड मेरे घर में चोरी करके निकल जाता है, अफसोस करने के लिए आप मेरे घर में चले आते हैं। हमें खुद समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि चोर अब ज्यादा दिन तक पुलिस की नजरों से बच नहीं सकता। हाय अंकल। कैसी हो बेटी? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आप कुछ परेशान लग रहे हैं। और ये पुलिस? मेरी परेशानी का एक ही कारण है बेटी, वो बदमाश किंग क्राउन। वो खैर जो हो गया सो हो गया, तुम अपने कमरे में जाओ। जाओ जाओ। ओके। हाँ। सबसे बड़ी बात तो ये है, पुखराज जी के नकाब की वजह से अभी तक किसी ने किंग क्राउन का चेहरा नहीं देखा। वो अंधेरे में काला नकाब पहन के आता है और अंधेरे में गायब हो जाता है। अरे ये लाइट को क्या हो गया? रामो जी साहब, जरा BST को फोन करना। अच्छा साहब। अरे कौन है आप? सत श्री अकाल भाऊ जी, सत श्री अकाल। मेरा नाम अवतार सिंह बत्ती वाला है जी, मैं लुधियाना का रहने वाला हूँ। तारा से बत्ती जाते हुए देखा तो रोशनी करने आ गया जी। थैंक यू सरदार जी, देख लीजिए क्या हुआ है। है जी। कौन? हाँ, मैंने लगता है कि जरा शॉर्ट सर्किट हो गया है, मैं जरा ऊपर देख कर आता हूँ। देख लो, देख लो। हाँ जी। हाँ कौन हो तुम? मैं अवतार सिंह बत्ती वाला, लुधियाना का रहने वाला, कनेक्शन जोड़ने वाला जी, कनेक्शन। ये क्या बदतमीजी है? ये हजार हजार वोल्ट की बत्तियां जल रही थी। कैसे बिहेव करा जी, इधर थोड़ी अकेली, ऊपर से अंधेरा, आपके ना बिहेव जी। सुना था
कुड़ियों में दो किस्म की करंट होंगी, एसी और डीसी। खींच दिए फेंक दिए, खींच दिए फेंक दिए, मगर आप में डीसी करंट ज्यादा है जी। खींच दिए। देखो सरदार जी, अगर आप लाइट ठीक नहीं कर सकते तो यहाँ से चले जाइए, वरना मैं अपने अंकल को बुला। नहीं नहीं, पापा ने क्यों बुला दी कुड़िये? अब तो सारा काम पूरा नहीं हुआ है, कनेक्शन ज्वाइन करनी है मैंने। हाजी हाजी ठीक है, जल्दी करो। ओके जी, अभी कर देना। कनेक्शन का डब्बा कितना है? बोलो जी, साडा काम हो गया जी, साडा काम हो गया जी। सरदार जी, इधर आओ, इधर आओ। अच्छा, कनेक्शन कनेक्शन जोड़ दिया जी, कनेक्शन जोड़ दिया जी। अब और कोई कनेक्शन जोड़ना है जी? यह रखो, इसकी कोई जरूरत नहीं भाजी। असल गवर्नमेंट का सर्वेंट है, गवर्नमेंट ही मैंने पैसे देगी जी, ये मैंने नहीं चाहता। सरदार जी बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ए सरदार जी, एक मिनट रुको। क्या बात है बाबू जी? सर, किंग क्राउन के पास भी ऐसा ही बैग था। ये बैग इन्हें वापस दे दो। ये लो। अच्छा जी, अच्छा चलता हूँ। आपको भी सत्यकाल जी, आप कभी जरूरत पड़े तो बुला लेना जी। थैंक यू जी। पुखराज जी, दुनिया में कुछ भले लोग भी होते हैं। अंकल, वो इलेक्ट्रिशियन कहाँ गया? चला गया, अपना बैग भूल गया है। भूल गया? ट्रांसफर होता है ना, उस इलाके से मेरा नाम सुनकर क्रिमिनल्स 100-100 किलोमीटर दूर चले जाते हैं। बाहर आओ। जय राम जी की पांडे साहब, मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूं, मेरा नाम जय किशन है। अपराधी चाहे अपना चेहरा हजार नकाबों में क्यों ना छुपा ले, लेकिन मेरी तीसरी आंख से बच नहीं सकता। जय किशन उर्फ किंग क्राउन। देखिए, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। मुझे कभी कोई गलतफहमी नहीं होती। मैं बिल देखकर समझ जाता हूं कि सांप कहां छुपा है और उसने मणि कहां छुपा रखी है। Under arrest, Mr. King Crown. यहां गाड़ी क्यों रोक दी? यहां कौन सा जेल है? मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे गुनाहों की सजा इतनी लंबी मिले कि तुम्हारी सारी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे कट जाए। नीचे उतरो। मैं कुछ समझा नहीं। मैं हर अपराधी को सुधरने का एक मौका देता हूं, अगर सुधर जाए तो ठीक है, और अगर नहीं सुधरा तो फिर मैं जेल में नहीं डालता, सीधा गोली मार देता हूं। देखो, अपना रास्ता बदल लो और एक ईमानदारी की जिंदगी जीना शुरू करो, वरना जो गोली हवा में चलाई है ना, उसे तुम्हारे सीने तक पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। ये हीरे
गवर्नमेंट के खाते में जमा हो जाएंगे और पुलिस में रिपोर्ट दर्ज की जाएगी कि तुम एनकाउंटर में मारे गए। मैं पहला पुलिस वाला देख रहा हूं जो एक अपराधी पर उपकार कर रहा है। देखो जय किशन, तुम भी किसी मां के बेटे हो ना, और फिर इंसान में अच्छाई बुराई दोनों होती हैं। अगर तुम चाहो तो किसी भी सुबह से अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हो। हर पाप का एक प्रायश्चित होता है, मैं चाहता हूं कि तुम भी प्रायश्चित करो। ऑल द बेस्ट। बेटे, मैंने भी तेरी वर्दी नहीं उतरवाई तो मेरा नाम भी जय किशन नहीं। ओम मेरा फेरी नमः, ओम 420 नमः, ओम पुलिस की वर्दी माता है नमः। हे वर्दी माता, तेरी नजर इसी तरह हम पर इनायत रही तो विश्वनाथ नाम का ये 420 प्राणी बड़े बड़े कारनामों में कामयाब हो जाएगा। ओम झुल झलाए नमः। चलो भाई पूजा खत्म। अच्छा सर, अपनी अपनी वर्दी उतारो वरना दीनू भाई ड्रेस वाला डबल भाड़ा मार देगा। चलो फुटो। अच्छा, चलो चलो चलो। जय वर्दी माता। नंदलाल भाई, मैं विश्वनाथ बोल रहा हूं, कुछ कीमती हीरे हाथ लगे हैं, सौदा करना चाहता हूं। बोलो तो दुकान पर आ जाऊं? ऐसा सौदा दुकान पर नहीं, दुकान के बाहर होता है। एक घंटे के बाद मोनार्क क्लब में आ जाना, मैं वहां तुम्हारा इंतजार करूंगा। ठीक है। आज की रात यहाँ पर हर आने जाने वाले पर निगाह रखनी है, कोई बचकर जाने ना पाए। हमें सही मुजरिम को पकड़ना है। हाँ हाँ। मुझे नंदलाल भाई ज्वेलर्स ने भेजा है, सेठ जी ने मिलने की जगह बदल दी है। नीचे पार्किंग में एक गाड़ी खड़ी है, उसमें बैठ जाओ। गाड़ी का नंबर है MH7447। मैं चेंज करके आती हूँ। अच्छा, सेठ जी का ये प्रोग्राम कैसे बदल गया? प्रोग्राम तो मौसम की तरह बदलता है, मौसम कुदरत बदलती है, और हमारा प्रोग्राम पुलिस के डर से बदल जाता है। आप जितनी हसीन हैं, बातें भी उतनी खूबसूरत करती हैं। वैसे मेरा नाम विश्वनाथ है, और आपका? सपना। खैर, ये तो बता दीजिए हमें जाना कहाँ है। चुपचाप बैठे रहिए, मंजिल अपने आप आ जाएगी। सीने में उतार देता, लेकिन हम हमारे घर आए दुश्मन को भी मेहमान की इज्जत देना जानते हैं। मगर मैं यहां आया कैसे? जिस जंगल में तुमने मुझे छोड़ा, वहीं मुझे तुम्हारा मार्गदर्शन मिला, वहीं मुझे पता चला कि तुम्हारी असलियत क्या है, मंगल पांडे उर्फ विश्वनाथ। लेकिन मैं तो एक लड़की के साथ था। वो मैं सपना मेरे लिए काम करती है, और वो
सेठ नंदलाल भाई ज्वेलर जिसे हमने क्लब से उठवा लिया था। और ये है हमारे हीरे जो हमारे थे और हमारे पास पहुंच गए। वर्दी पहनकर तुमने बहुतों को बेवकूफ बनाया विश्वनाथ, लेकिन आज खुद बेवकूफ बन गए। हम अपने दुश्मनों पर कयामत की नजर रखते हैं। तुम्हारी नजर के सचमुच हम कायल हो गए किंग क्राउन, और आपके भी। तुम्हारी तरह मेरा भी एक सिद्धांत है विश्वनाथ, मैं अपने दुश्मन को एक मौका देता हूं, अगर वो समझ गया तो ठीक है, वरना गोली सीधे सीने के पार कर देता हूं। एक बात और याद रखना, एक जंगल में सिर्फ एक ही शेर रह सकता है, समझ गए? बिल्कुल समझ गया। इसे उसी जंगल में छोड़ा जहां पर इसने मुझे छोड़ा था। ओके। और हां विश्वनाथ, अगर जिंदगी में कोई पाप किया हो तो उसका प्रायश्चित करना बहुत जरूरी है, राइट? ठीक है मैं वह। बहुत तरस आ रहा है तुम पर, आंखों पर काली पट्टी बांधे हुए बिल्कुल महाभारत की गांधारी लग रहे हो। चले थे किंग क्राउन के उस्ताद बनने, मगर अफसोस है कि उसके चेले भी नहीं बन पाए। मुझे कोई अफसोस नहीं हो रहा है, बल्कि मुझे तो इस बात की खुशी हो रही है कि आप जैसी हसीना से मुलाकात तो हो गई। दुआ करना कि दोबारा मुलाकात ना हो, अभी तो सस्ते में छूट गए, फिर पता नहीं क्या कीमत चुकानी पड़े। आपसे मिलने के लिए मैं कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूँ, और विश्वनाथ का ये विश्वास है कि अगली मुलाकात में मेरे हाथ आपके हाथों से बने होंगे, और इस काली पट्टी की बजाय आपका खूबसूरत चेहरा मेरी आंखों के सामने होगा। गाड़ी को रोक दी। जहाँ तुम्हें पहुँचाना था वो जगह आ गई। किंग क्राउन से टक्कर लेकर जो तुमने गलती की है उसके प्रायश्चित के लिए इससे अच्छी जगह और कोई नहीं हो सकती। इस एकांत में मन को शांति मिलती है। बड़े बड़े महापुरुषों ने ऐसे ही जंगलों में ज्ञान की ज्योति प्राप्त की है। मुझे ज्ञान की ज्योति नहीं, मोहब्बत की ज्योति चाहिए, जिसकी जगमगाती रोशनी मैं आपके दिल में देख रहा हूँ। शट अप। माना कि आप हमसे खफा हैं, मगर फिर भी तस्वीरें वफा हैं, और ये वफा की तस्वीर एक ना एक दिन हमारी जरूर होगी। सुनिए। कहिए। क्या कहूँ, कैसे कहूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मत कहिए। अगर नहीं कहूँगा तो नौकरी भी नहीं मिलेगी। तो आप नौकरी की तलाश में आए? जी हाँ, मिल सकती है। आप अपनी नौकरी की बात करने आए हैं? मेरी खुद नौकरी खतरे में है, मैनेजर ने फाइल कहाँ रखी और ढूंढने के लिए मुझे कहा है। मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे और परेशान मत करो। हाँ फाइल मिल गई, आप जाइए। चला गया। हेलो सर, मैं हांगकांग से चिली चुकुक बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। क्यों? अरे क्या बात है, कोई बात नहीं, आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगा। इसे कहते हैं वक्त का पलटना, वक्त मेहरबान तो श्याम जी गदा पहलवान। बन जाओ श्याम जी चिली चू। चिली चू हमारा नाम, चाइनीज खाना बनाना हमारा काम। हांगकांग से आया सुन के तुम्हारा नाम, बोलो क्या है, किधर है काम? तुम्हारी तकदीर बड़ी अच्छी है, इसीलिए तुम्हें ये नौकरी मिली है। तुम चाहो तो आज से ये नौकरी ज्वाइन कर सकते हो। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो मैं तुम्हारा स्टाफ से परिचय करवा देता हूँ। चलो आओ। अरे उधर नहीं, इधर। ओह, इधर से एंट्री नहीं है। पिली चू जी, चिकन तो इसमें होना चाहिए, आपने इसे लटका दिया है, समझ भी नहीं आया। ये चिकन हवा हवाई सूप है, हमारे हांगकांग का सबसे मशहूर सूप है। क्या है कि नीचे अंगार जलाएगा, ऊपर गर्मी पहुंचेगा, चिकन को पसीना आएगा, पसीना अंदर गिरेगा, तैयार हो जाएगा चिकन हवा हवाई पसीना सूप। पसीना गिर रहा है, वेरी गुड। इधर लाओ। हंगिया हुआ हुआ हुआ। अभी बैगन दो। काट के? काटो जल्दी जल्दी। हंगिया हुआ हुआ। हाँ इसमें तो बहुत टाइम लगता है, पूरा दो, पूरा उठा के दो। हिया हुआ हिया हुआ हुआ।
जी हो ये जी हम आता है थोड़ा देर के बाद बन जाएगा। जिंदगी में पहली बार ऐसा चिकन हवा हवाई सूप देखा है। क्या बोलता है हमारा चिकन हवा हवाई? सर, चिली जी, चिली जी, आप ग्रेट हैं। आई एम योर फैन। आप हांगकांग की तोप हैं, इंडिया की होप हैं। सर सर, मैंने जिंदगी में पहली बार ऐसा लटकता हुआ पसीना हवा हवाई चिकन सूप देखा है। सर सर, आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है। मैं पिछले 10 साल से इस होटल में काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरी तनख्वाह सिर्फ 10,000 रुपए है। मेरे छोटे छोटे 2-4 बच्चे हैं। अगर अगर आप मैनेजर से ये कह देंगे कि ये हवा हवाई चिकन सूप मैंने बनाया है, तो मेरी भी तनख्वाह 25,000 रुपए हो जाएगी, इंक्रीमेंट हो जाएगा। सर सर, चिली जी कुछ कीजिए मेरे लिए, कुछ कीजिए। सोचने का टाइम दो। ज्यादा मत सोचिए सर, वरना आप हाँ नहीं कह पाएंगे। ठीक है, हम नहीं सोचता है। मैनेजर के पास जाता है, बोलता है कि ये सूप तुमने बनाया है। ये लटकता हुआ पसीना हवा हवाई चिकन सूप मेड बाय घनश्याम। आपने मुझे याद किया सर। मुझे मालूम था डाइनिंग हॉल में सूप तुम्हारा गया था। यस सर, मैंने बड़ी मेहनत से बनाया सर। क्या सर, जानते हो तुम्हारे सूप ने क्या किया? क्या किया सर? डाइनिंग हॉल में हर आदमी ने वॉमिटिंग किया। वॉमिटिंग? उल्टी। और मुझे हॉस्पिटल से एम्बुलेंस बुलाना पड़ा। यू कैन गो। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। तुम्हारे सूप ने मेरे होटल को ऐसा लूप लगा दिया है कि कस्टमर लोग होटल के नाम से भाग रहे हैं। सिक्योरिटी सर, मेरी एक मिनट, मेरी बात। मुझे कुछ नहीं सुनना है। इस आदमी के कपड़े उतार कर इसे नंगा करके इसको होटल के बाहर फेंक दो। नंगा करने के लिए आप जाओ यहां से। सर, ये आप बहुत गलत कर रहे हैं सर। आप लोग कौन है? हम लोग हांगकांग से आए। इधर चिली चूक सर्विस करता है। हाँ हाँ, बोलो क्या काम है? वो छोकरा हमारी छोकरी को धोखा दिया, उससे शादी का प्रॉमिस किया और इधर भाग आया। हम लोग उसको पुलिस में देगा। वो किधर है? अभी बुलाता हूँ। हेलो, हाँ चिली चूक इधर भेजो। आप हमको याद किया? यस, इनसे मिलिए। ये कौन है जिसके लिए तुम यहाँ आए हो? मिस्टर चिलीचू। ये वो नहीं है। तो फिर कौन है तुम? अब तक नौकरी मांग रहे थे, इतनी जल्दी चिलीचू बन गए? हम सबको धोखा दे रहे हो? हाँ हाँ, हम आपको धोखा नहीं देता, हमको कुछ नहीं चाहिए। तो फिर तुमको क्या चाहिए? प्लेन का टिकट? अभी मैं तुम्हारी व्यवस्था करता हूँ। सिक्योरिटी। यस सर। इस आदमी को नंगा करके यहाँ से बाहर फेंक दो। अरे बाहर फेंकने से पहले नंगा क्यों कर रहे हो? अरे किंग क्राउन जहाँ कहीं भी दिखाई दे, इसकी सूचना फौरन पुलिस को दी जाए। मिल गई नौकरी, मिल गई। कैसी कैसी नौकरी? किंग क्राउन को पकड़ने की नौकरी। इसके सर पे इनाम रखा है सरकार ने, इसे पकड़ लेंगे तो इनाम हमारा हो जाएगा, हम मालामाल हो जाएंगे, अमीर हो जाएंगे। दे दे मेरा साथ। एक बात तेरा साथ दिया तो सड़क पर आ गया, अब दूसरी बात तेरा साथ दूंगा तो मेरी सांसें बंद हो जाएंगी। अरे तेरी सांसें नहीं बंद हो जाएगी, तेरी जिंदगी बन जाएगी। चल मिला हाथ, मिला। मजबूरी है, हाथ तो मिलाना ही पड़ेगा। नौकरी भी चली गई है, लेकिन हम लोग करेंगे क्या? अरे नई दुकान खोलेंगे जिसका नाम होगा श्याम जी, घनश्याम जी, प्राइवेट डिटेक्टिव। ये दो जासूस। अरे महसूस, ये दुनिया बड़ी खराब है, ये दो जासूस है। शाबा, अरे भाई वाह। क्या बात है किंग, आज बहुत खुश नजर आ रहे हो। अरे यूं ही बस, मेक मी अ ड्रिंक। ठीक, क्या हुआ, क्या हुआ? मेरा नेकलेस। हेलो, इस नेकलेस की तलाश कर रहे हो? स्टॉप, अंदर जाओ। तुम्हारे पास ये नेकलेस आया कैसे? याद करो, मोहम्मद अली पाक के पास तुम एक भिखारी से मिले थे, मुझसे ये हार चढ़ा के तुम ये साबित करना चाहते हो कि तुम मुझसे बड़े चोर हो? गलत, मैं तुमसे ये साबित करना चाहता हूं कि मैं तुम्हारा सबसे बड़ा शुभचिंतक हूं। समझा नहीं? एक शेर दूसरे शेर को अपनी आंखों के सामने मरते हुए नहीं देख सकता। मुखराज ने तुम्हारे चारों तरफ जाल बिछा रखा था, उसे मालूम था तुम वहां चोरी करने आओगे, इसलिए उसने इस लॉकेट के पीछे टाइम बॉम्ब रखा था। मुखराज को मालूम था
ये किंग क्राउन उसे चोरी करेगा और हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ये टाइम बम रात के ठीक 12:30 बजे फटने वाला है। अरे पार्टनर रुद्रा, पार्टी तो खत्म हो गई, ये भी कोई वक्त है पार्टी में आने का? क्या करूं यार, किसी काम में अटक गया था। देख, किंग क्राउन अपने प्लान के मुताबिक नेकलेस तो चुरा कर ले गया। अब 2 सेकंड में उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। किसी ने आपके लिए तोहफा भेजा है। तोहफा? नेकलेस। तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया। मैंने कोई एहसान नहीं किया, तुम एक बहादुर हो और एक बहादुर को इस दुनिया में जीने का पूरा हक है। तो दो बहादुर दो दोस्त भी तो बन सकते हैं। सपना, हैरान होने की कोई बात नहीं है, आज से यह हमारा जिगरी दोस्त है और हम चाहते हैं कि इसकी मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ये जासूस के कपड़े तो हमने बनवा लिए। हाँ। लेकिन ये किंग क्राउन का बच्चा अभी तक हमें नहीं मिला। अरे तू किंग क्राउन की बात कर रहा है, 4 दिन हो गए वड़ा पाव तक नहीं मिला, ऐसा ही रहा तो हम भूख से मर जाएंगे। अरे तू कहाँ है किंग क्राउन? वहाँ है। कहाँ? नीचे आओ, नीचे आओ। वो देखो फूल वाले के पास। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। चश्मा तो निकालो। सॉरी। लाल गुलाब का फूल और किंग क्राउन का निशान, यही है किंग क्राउन। कम ऑन। कौन हो तुम लोग? हिलना मत, मेरे हाथ में पिस्तौल है। देख मत, असली है। मेरी बीवी का बर्थडे, मैं उसके लिए फूल ले जा रहा हूँ, छोड़ दो मुझे वरना आई विल शूट यू। अंग्रेजी में बोलता है, अभी थोड़ी देर बाद पुलिस स्टेशन पहुंचकर तू हिंदी में बोलेगा, मराठी में रोएगा, गुजराती में गिलगिलाएगा और पंजाबी में चक्की पीसेगा। अरे बेवकूफो, मैं आईजी पुलिस हूँ। आईजी? तुम आईजी पुलिस हो? मुंह खोलो। पकड़ लिया। ये सब क्या हो रहा है? अरे हमको नहीं पहचाना, ये घनश्याम जी और ये है श्याम जी और ये जो बीच में खड़ा है किंग क्राउन जी है। और हमने इसे पकड़ लिया। अब इसे जल्दी से अंदर कर दीजिए, हमारा बैग नोटों से भर दीजिए। ए बैग दे। अरे सैल्यूट मत मारिए सर, ये बैग नोटों से भर दीजिए बस। बेवकूफो, ये आईजी साहब है। फिर से आईजी? शट अप, ये आईजी साहब ही है, आईजी गिल। आईजी गिल, सलाम। साहब, मैंने पहले कहा था कि ये गिल आईजी गिल है। अरे चाचा, मैंने कहा था, लेकिन मुझे दिखाई नहीं देता। कमल साहब, यस सर, इन दोनों गधों को ले जाओ और इनकी ऐसी पिटाई करो कि इनका चेहरा देखने के बाद गधों को भी शर्म आए। नहीं, मुझे दिखाई नहीं देता बराबर। गेट लॉस्ट। चलो। धोबी कपड़े क्या धोता है, जिस तरह से पुलिस ने हमें धोया है, मेरा तो पुर्जा ढीला हो गया है। श्याम, लगता है अपने नसीब में मार खाने के सिवा कुछ नहीं है। होटल में मार खाते हम, पुलिस स्टेशन में मार खाते हम, निकले थे किंग क्राउन को ढूंढने और क्या बन गए? क्या? हेलो भाई। ए भाई साहब। अरे क्या कर रहे हैं आप? हम लोग भिखारी नहीं है। क्या भिखारी नहीं हो? अरे सड़क पर बैठकर भीख मांगते और कहते हो भिखारी नहीं है। अरे नहीं, हम भिखारी हैं। दरअसल क्या है कि बहुत दिनों से इसके पेट में खाना नहीं गया है, तो इसका दिमाग जो है भूल जाता है कि ये क्या है। अभी तो अबे तो भिखारी है। हाँ, मैं भिखारी हूँ। तो ऐसा बोलो ना, ये लो 5 रुपए। तू भिखारी है? हम आज से तुम्हारा यही धंधा है, समझ गए? हाँ, हम भिखारी हैं। हीरे के पास तो कोई गया नहीं, फिर ये अलार्म कैसे बज गया? एक पानी की बूंद यहाँ गिरी और ये अलार्म बज उठा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये फ्लोर कितना सेंसिटिव है। थैंक यू फ्रेंड्स, now this exhibition is going to be closed. Thank you very much. Thank you. Bye-bye.
12 से लेके 11:40 तक ही हमारे पास वक्त है। इस बीच सिक्योरिटी गार्ड्स चेंज होते हैं। इस 10 मिनट के अंदर अंदर हमें काम पूरा करना है। ओके, बेस्ट ऑफ लक।
हमारा सबसे कीमती हीरा चोरी चला गया। आप लोग घबराइए मत, वो जल्दी पकड़ा जाएगा। पुलिस पे भरोसा रखे। क्या भरोसा रखे पुलिस पर? आपकी निगरानी में तो हुआ ये सब। आपकी आंखों के सामने किंग क्राउन यहाँ आया, तब नहीं आप उसे पकड़ सके, आप क्या खाक पकड़ेंगे उसे? सब आपकी लापरवाही के कारण हुआ है। वी विल फाइल केस अगेंस्ट यू। देखिए रिलैक्स रिलैक्स, मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि किंग क्राउन बच नहीं सकेगा। माय फुट। चोरों की तरह छुपकर क्यों आ रहे हो? कभी चोरी चोरी भी तो मिलना चाहिए। मैंने सोचा कि अचानक आकर तुम्हें सरप्राइज हो, लेकिन तुम कहाँ से आ रही हो? वो मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ लाश शो देखने गई थी। वैसे भी अब नींद कहाँ आती है? हमें भी कहाँ आती है? ऐसे ही बाहर खड़े सारी बातें करोगे या अंदर भी आओगे? Let's go. Please come. आओ ना। अरे तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? अब तो घर पर नहीं है। मालूम है। कैसे? वो उनके हीरो की जो एग्जीबिशन चल रही है, ऐसे में वक्त कहाँ मिलेगा? स्मार्ट बॉय, यहाँ बैठो, मैं अभी आई। ये मेरे लिए लेके आए हो ना? हाँ, यही वो सरप्राइज है जो मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। ये सरप्राइज नहीं, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। इसे तुम अपने हाथों से पहना दो। सूत्र कहां से आया? वो तुम कुछ छुपा रही हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये मंगलसूत्र मुझे जयकिशन ने पहनाया है। जयकिशन? हाँ, मेरी शादी जयकिशन से हो चुकी है, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। ये तो बड़ी खुशी की बात है। हम तो सोच रहे थे कि तुम्हारे पांव पालने से बाहर ना निकले और तुम डोली में बैठने का ख्वाब देख रही हो। ए, क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हो? अंकल, अंकल ये सब क्या है? मैं तुम्हारा अंकल नहीं हूं, मैं वो जहरीला सांप हूं जो तुम्हारे बाप की जायदाद पर कुंडली मारकर बैठा हूं। और तुम जो अभी तक जिंदा हो ना, सिर्फ अपने बाप की वसीयत की वजह से, वरना भैया इतने कभी नहीं है, तुमको कभी का मार चुके होते। वो हरामजादा मेरा दुश्मन था जिसने ऐसी वसीयत बनाई कि तुम जायदाद की वारिस सिर्फ शादी के बाद बन सकती हो, वरना सारी जायदाद ट्रस्ट में चली जाएगी। क्या सोच रही हो? एक बात तुम अपने बेजे में डालो, तुम्हारी अगर शादी होगी तो सिर्फ मेरे साथ, तो उसने का ख्वाब देखना बंद करो। इसे ले जाकर गेस्ट हाउस में बंद कर दो, तब तक भूखी प्यासे रखो जब तक कि अपने आशिक को भूल न जाए। ले जाओ इसे। आखिर आपने कंचन को अपना असली रूप दिखा ही दिया। और उद्रा, वो मंगलसूत्र जो कि कंचन ने पहना हुआ है, हमारे म्यूजियम से चोरी हो गया था, और वही मंगलसूत्र जयकिशन ने उसे दिया है। इसे साफ जाहिर होता है कि जयकिशन एक किंग क्राउन है। तो फिर देर किस बात की है, खत्म कर देते हैं उसे? नहीं, अभी नहीं, अभी तो बहुत हिसाब किताब बाकी है। हमें जयकिशन की पूरी प्लानिंग, उसकी पूरी मूवमेंट्स का पता लगाना है। उससे क्या होगा? हम जयकिशन की चाल पर, अपनी चाल चलकर उसे बता देंगे कि हम कौन हैं। आ...
आवाज है जयकृष्ण, कमरे में इतना अंधेरा क्यों कर दिया? इसलिए कि मैंने भी किसी को जिंदगी के उजाले से दूर अंधेरे में रखा है। कौन है वो? एक लड़की है जो मुझे जी जान से प्यार करती है, और मैं उसे धोखे के सिवा कुछ नहीं दे रहा हूं। क्या धोखा दिया है तुमने उसे? किंग क्राउन का घिनौना चेहरा मैंने उसे छुपा रखा है। विश्वनाथ, जब से वो मुझसे मिली है जिंदगी बड़ी खूबसूरत से लगने लगी है। काश वो मुझे पहले मिली होती, मेरी जिंदगी का कुछ और होता। मैं नई जिंदगी गुजारना चाहता हूँ विश्वनाथ। लग रहा है तुम मेरे दिल की बात कर रहे हो। मैं भी कई बार सोचता हूं आखिर इस जीवन का अंत क्या होगा, क्यों ना अंधेरे की जिंदगी से निकलकर रोशनी की तरफ जाऊं। जयकृष्ण, जो रास्ता तुम तय करोगे वही मेरा रास्ता होगा। कल ये सब छोड़कर हम यहां से दूर निकल जाएंगे। आज क्यों नहीं? एक आखिरी काम बाकी है। जब मैंने इस धंधे में पहली बार कदम रखा था तो एक जॉन डिसूजा नाम के आदमी ने मेरी मदद की थी, तो उसने मुझे किंग क्राउन का टाइटल भी दिया था। आज वो सिंगापुर से इंडिया आ रहा है। मैंने उससे कुछ हीरे देने का वादा किया था। वो खंडाला के परिचय होटल में रुकने वाला है। लेकिन हम वहां पहुंचेंगे कैसे जयकृष्ण? पुलिस ने कई दिनों से चारों तरफ जबरदस्त नाकाबंदी कर रखी है। ये बैग लेकर तुम सपना के साथ खंडाला के लिए रवाना हो जाओ, बाकी मैं संभालूंगा। गुड लक विश्वनाथ। रुकिए रुकिए, गाड़ी रुकिए, नीचे उतरिए आप लोग। क्या बात है इंस्पेक्टर? हमें हेडक्वार्टर से खबर मिली है कि आप लोग हीरे लेकर जा रहे हैं। हवलदार, तलाश लो। सर, ये ब्रीफकेस मिला है। सर, इसमें कुछ नहीं है। जरा देखें तो सही, इसमें क्या है? I'm sorry, you can go. वाह, क्या हीरे हैं! हम बहुत खुश हुए। एक बात तो बताओ, तुमने पुलिस को चकमा कैसे दिया? मैंने खाली बाइक देकर पुलिस को अपने दोस्त के पीछे भेज दिया और हीरे लेकर खुद यहाँ आ गया। वेरी गुड, वेरी गुड। ये रहे तुम्हारे पैसे। अब पैसे मेरा दोस्त ले जाएगा और मैं पुलिस को चकमा दूंगा। वैसे मेरे दोस्त का नाम विश्वनाथ है, अब ये पैसे उसे दे दीजिएगा। जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा। अच्छा, अगले महीने दिल्ली में हीरों की एक बहुत बड़ी एग्जीबिशन लगने वाली है। मैं चाहता हूँ उस एग्जीबिशन के हीरे। ये मेरा आखिरी काम था, इसके बाद मैं चोरी नहीं करूंगा। किंग, ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ जॉन, मैं कहीं शादी करके अपना घर बसाना चाहता हूँ। जिस लड़की से मैं शादी करना चाहता हूँ मुझे बहुत शरीफ समझती है। जिस दिन मैंने अपना काम शुरू किया था आपने मुझे गुड लक के तौर पर एक क्राउन दिया था, मैं उसे लौटाना चाहता हूँ। अच्छा, आई विश यू ऑल द बेस्ट किंग, ऑल द बेस्ट। थैंक यू जॉन, थैंक यू। सपना, ये हीरे गायब कैसे हो गए? क्यों ना जयकिशन को फोन करें। हेलो हेलो जयकिशन, मैं विश्वनाथ बोल रहा हूँ। मुझे मालूम था वो तुम्हारा पीछा करेंगे और उन्होंने तुम्हें ही घेर लिया। अरे भाई, जान में जान आई। थोड़ी देर के लिए तो हम दोनों परेशान हो गए थे, लेकिन वो हीरे हीरे अपनी जगह पहुंच गए। तुम भी खंडाला परिचय होटल रूम नंबर 207 में जाओ, वहां से पैसे कलेक्ट करो और सीधे खंडाला पोर्ट क्लब आ जाओ। ओके? ठीक है, हम लोग वहां पहुंच रहे हैं। बस हमारा काम हो गया। विश्वनाथ जिस पुलिस को असली पुलिस समझ रहा था वो हमारे आदमी थे। गुड। जिन्होंने गाड़ी की तलाशी के वक्त वहां माइक लगा दिया था। रुद्रा को खबर कर दो। राइट। हमें खंडाला के होटल में रूम नंबर 207 में जाना है। ओके। Mm-hmm.
देवन रुद्रा, शहर में लोग हमें और एक नाम से जानते हैं, मौत का सौदागर। मुझसे क्या चाहिए आप लोगों को? तुम्हारी जिंदगी। ये रही जयकिशन की हैंडराइटिंग में लिखी हुई चिट्ठी। जयकिशन और विश्वनाथ, शायद ये दोनों नहीं जानते कि हम दोनों की खोपड़ी में शैतान का दिमाग है। ये हमारे खेल की ऐसी चाल है कि दोनों दोस्त एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे और लोहा लोहे को काट डालेगा। बोल तू किस किस का आदमी है, बोल।
हम लोग जय किशन के आदमी है, तो उसने कहा था कि अगर विश्वराज होटल में पुलिस से बच जाए तो उसे रास्ते में खत्म कर देना। जय किशन, तुमने विश्वनाथ से दोस्ती करके बहुत कम कीमत पाई है, मगर दुश्मनी करके तुम्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। मालिक, मैं जोरा बोल रहा हूं, जैसा आपने कहा था वैसा ही किया, उसके सामने मैंने मरने का नाटक भी कर दिया। वाह जोरा, वेरी गुड। अब एक दोस्त दूसरे दोस्त को दुश्मन की तरह मिलेगा। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम यही सोच रहे होगे कि अब तक पुलिस जॉन डिसूजा के खून में गिरफ्तार कर चुकी होगी। जॉन डिसूजा का खून, ये सब कैसे हुआ? यही सवाल हम आपसे करने वाले थे किंग। क्या कागज के चंद टुकड़े दोस्ती से बढ़कर होते हैं? विश्वनाथ को मैंने दोस्त माना है और मैं दोस्तों को धोखा नहीं देता। झूठ! दोस्ती की आड़ लेकर तुम मुझे हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटाना चाहते थे। तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है विश्वनाथ। तेरी सारी साजिश का पर्दाफाश हो चुका है गद्दार। तूने जिस आदमी को मुझे मारने के लिए भेजा था, उसने खुद अपने मुंह से सब कुछ कबूल कर लिया है। ये कैसे लगा मोटे?
यार। आजा आजा। अरे मेरे बाप, अब तक तू कहाँ था? तुझे देखने के लिए तो हमारी आंखें तरस गई थी, अब तो आंखें खोल। अरे कुछ तो बोल। ये तो कुछ भी नहीं बोल रहा है। अबे कैसे बोलेगा, ये देख पूरी बोतल पी के धोता है। पूरी बोतल लपटा गया, अब क्या करें? इसके पहले कि ये होश में आए, इसे पुलिस स्टेशन लेके चलते हैं। इनाम हमारा इंतजार कर रहा है। यार लकी मैन, तूने तो हमारा मुकद्दर बदल दिया। अबे इसे उठाओ, 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 उठाओ। इनाम हमारा। अबे क्या करें, कैसे करें, कैसे ले जाएं, क्या करूं? एक मिनट, ये देख। ये इसके पैरों के नीचे बांध देते हैं, इसे धक्का मारते हो ले जाते हैं, लोग समझेंगे किसी शराबी को ले जा रहे हैं। अरे यार क्या दिमाग पाया तूने? क्या हुआ? अबे इस तरह जाएंगे, अपना हुलिया तो देख, इसे तो ठीक करना पड़ेगा। मिल गया। ये देख, क्या देख? दो है तो? कुछ तो समझ यार। समझ गया, समझ गया, ये अपना बॉस और अपन दोनों इसके असिस्टेंट। मेरे संभाल कर, देख कहीं लुढ़क ना जाए। अरे कोई देख तो नहीं रहा है ना? क्या? चलो भाई मुंह पर। हेलो पार्टनर। हेलो, जॉन डिसूजा जिंदा है क्या? हाँ, मैंने अभी उसे टैक्सी में देखा है। उसका जिंदा रहना हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है, किसी भी कीमत पर उसको खत्म कर दो। ठीक है। सीने से चिमट रहा है? अरे ये गर्लफ्रेंड नहीं है, डेड बॉडी है। हम लोग एक लाश को लेकर घूम रहे हैं। पुलिस, पुलिस। ये सब क्या हो रहा है? कौन हो तुम लोग? हम हैं दो बेचारे, बिना सहारे, तकदीर के मारे। उसे हाथ लगा। तुम वही हो ना जो आईजी साहब को किंग क्राउन समझकर पुलिस स्टेशन में लाए थे? हाँ, हाँ, लेकिन उसकी सजा तो हमें मिल चुकी है। मिल चुकी है साहब। ये कौन है तुम्हारे साथ? ये कौन है? अरे बे, कौन है सर? ये तो लाश है। नहीं, लाश लाश मत कहना, ये तो हमारा दोस्त है। मर गया तो क्या हुआ? ये हमारा दोस्त है। शट अप। ये दोस्त है या लाश, पुलिस स्टेशन जाकर पता चलेगा। ले चलो इनको खींचते हुए पुलिस स्टेशन। चलो चलो चलो। दो बेचारे बिना सहारे। Please, help me, please, please, दरवाजा खोलो, please.
मुझे बचा लो, किंग क्राउन के आदमी मेरे पीछे लगे हुए हैं, वो लोग मेरी जान लेना चाहते हैं, प्लीज हेल्प मी। किंग क्राउन? अरे भाग के चल, जाएगी बच्चे चल, तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। आप हुकुम कीजिए। आज मैं हुकुम नहीं करूंगा, एक दोस्त की तरह बात करूंगा। ये बैग रखो, इसमें कुछ पैसे हैं। मैं चाहता हूं कि तुम आज के बाद ये काले धंधे नहीं करोगे। मुझसे वादा करो, आज के बाद तुम ये धंधे नहीं करोगे। आप भरोसा रखिए, आपने जो कहा है वही होगा। गुड लक। कौन है ये? किंग सपना भाग रही थी, हम उसके पीछे गए और उसे पकड़ कर लाए। छोड़ो छोड़ो इसे। कंचन तुम यहां क्यों? मुझे देखकर हैरानी हो रही है, ये नकाब तुमने मेरे चेहरे से नहीं अपने चेहरे से हटाया है, तो ये है तुम्हारा असली रूप, जिसे मैं देवता समझकर पूछती रही, वो एक पत्थर निकला। कंचन मेरी बात तो सुनो, मुझे मुझे मत समझो, मैं गुनाह के रास्ते छोड़ चुका हूं, अब मैं सिर्फ जयकिशन हूं, तुम्हारा जयकिशन। अब मेरी आंखों के सामने से पर्दा हट चुका है, मुझे साफ दिखाई दे रहा है मेरे सामने जय किशन नहीं किंग क्राउन खड़ा है। देखो कंचन मैं तुम्हें सब समझा रहा हूं, मत आना मेरे, वरना मैं अपने आप को खत्म कर लूंगी। और एक बात सुनो, मेरे खून के साथ एक और खून होगा, वो है तुम्हारा बच्चा जो मेरे पेट में पल रहा है। बच्चा? हम अपने बच्चे को लेकर कहीं दूर चले जाएंगे, एक नई जिंदगी शुरू करेंगे कंचन। मैं इस बच्चे को तुम्हारा नाम नहीं दूंगी, ये बच्चा एक मुजरिम का बेटा नहीं कहलाएगा, मैं अपने आप को और इस बच्चे को खत्म कर दूंगी। कंचन रुक जाओ, कंचन 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 मर चुका हूं है ना, लेकिन तुम जैसे दुश्मन को खत्म करने के लिए हम मौत से भी जिंदगी उधार मांग लाते हैं। मैं तुम्हें अब भी अपना दोस्त समझता हूं विश्वनाथ, मेरी बात समझने की कोशिश करो, तुम्हें मेरे बारे में कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। इससे बड़ी गलतफहमी और क्या होगी जो मैंने तुम्हें दोस्त कहा। अगर मुझे मालूम होता कि मैं आस्तीन में सांप पाल रहा हूं तो तुम्हें दोस्त कहने से पहले अपनी आस्तीन ही काट देता। ठीक है दोस्त, तुम्हारी मेरी जो भी दुश्मनी उसे तुम पूरा कर लो, लेकिन अभी नहीं, अभी मुझे जाने दो, कंचन की जान खतरे में, वो अपने आप को कुछ भी कर सकती है। दोस्त कंचन के सिवा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं, और मेरी जिंदगी में सपना के सिवा कोई नहीं है। बोल सपना कहाँ है? सपना भाग गई है, उसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं मालूम। तू झूठ बोलता है कमीने, सच सच बता दे सपना कहाँ है, वरना तुझे चांद से मार डालूंगा। बोल। हैंड्स अप किंग क्राउन। विश्वनाथ तुमने पुलिस से वादा किया था कि तुम कानून को अपने हाथ में नहीं लोगे। तुमने जयकिशन के साथ दोस्ती करके बहुत कम कीमत पाई है, अब दुश्मनी करके तुम्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब हम जब भी मिलेंगे तो दुश्मनों की तरह मिलेंगे। ले जाओ इसे। भैया वेरी बैड न्यूज, कंचन हमारे यहां से भाग निकली है। क्या बात करते हो तुम? हाँ लेकिन सपना हमारे कब्जे में है। ये सपना कौन? सपना जो जयकिशन के लिए काम करती थी, मेरा मतलब है कि विश्वनाथ की गर्लफ्रेंड। मुझे किसी भी हालत में कंचन वापस चाहिए। क्या हुआ? क्या परेशानी है तुम्हें? उठो, कौन हो तुम बहन?
जिसके लिए सब दरवाजे बंद हो जाते हैं उसके लिए भगवान का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। समझो। अरे तुम्हें तो बहुत बुखार है, मेरा घर पास ही है, चलो मेरे घर। नहीं मुझे अकेले रहने दीजिए, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। नहीं ऐसी बातें नहीं करते बहन, आखिर इंसान ही तो इंसान के काम आता है, चलो मेरे साथ आ जाओ। आओ आओ बहन आओ, इसे तुम अपना ही घर समझो, यहाँ लेट जाओ। हाँ धीरे से, हाँ पांव सीधा करो। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुलजिम जय किशन उर्फ किंग क्राउन ने बहुत से हीरों की चोरियां और डकैतियां की, लिहाजा ये अदालत मुजरिम जय किशन को 7 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाती है। अरे रे रे, ये क्या कर रही हो तुम? तुम माँ बनने वाली हो, तुम्हें बोझ नहीं उठाना चाहिए, चलो 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 आराम करने, चलो आओ। पिछले कई सालों से पुलिस किंग क्राउन से परेशान थी, तुमने इतने बड़े अपराधी को गिरफ्तार करवा के कानून और पुलिस की बहुत बड़ी मदद की है, इसलिए कानून तुम्हारे साथ नरमी से पेश आ रहा है, तुम्हें सिर्फ थड़ी पार की सजा दी जाती है। तुम 2 दिन के अंदर अंदर ये शहर छोड़ जाओ और एक नई जिंदगी शुरू करो। एक बार जो अपराधी बन जाता है वो जिंदगी भर अपराधी ही रहता है। ये वो युग नहीं है जब दस्यु रत्ना करने वाल्मीकि बनकर रामायण लिखी थी। तुम भले वाल्मीकि की तरह रामायण ना लिख सको लेकिन कम से कम अपनी आत्मा के मैले कागज पर राम का नाम तो लिख ही सकते हो। किंग क्राउन को पकड़वाने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट ने जो इनाम रखा था वो इस लिफाफे में है। ये पैसा तुम्हें नई जिंदगी शुरू करने के काम आएगा। ले लो लो ले लो, गुड लक। चाची 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 चाची, we'll be right back.
लेकर आए उसकी हालत बहुत सीरियस है, क्या लगती है आपकी? जी दुनिया वालों ने रिश्तों को जो शब्द दिए हैं उनमें से इस रिश्ते का कोई नाम नहीं, ये मेरे लिए अजनबी है और मैं इसके लिए सड़क पर जख्मी पड़ी थी, मैं उठा के लाया। जिस्म पर चोट लगने की वजह से बहुत खून बह गया है, माँ और बच्चे को बचाने के लिए फौरन ऑपरेशन करना होगा और कम से कम 50,000 का इंतजाम करना पड़ेगा। आपकी मदद के लिए बहुत शुक्रिया। आपकी तबीयत अच्छी नहीं है, ख्याल रखना। पुलिस जयकिशन के पीछे है, हमें खबर मिली है कि वो शहर छोड़कर अपने बच्चे की तलाश में नासिक गया है, उसे जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। थैंक यू सर, अब हम चैन की नींद सो पाएंगे। इसका मतलब अब हमें नासिक जाना होगा। देखो मेरा रॉकेट कितना ऊपर जाता है, चांद तारे तक। अंकल कौन हो तुम? मैं इस शहर में नया हूँ। आज दिवाली है, तुमने नए कपड़े नहीं पहने? मैं मम्मी पापा नहीं है? नहीं है, नहीं है। क्या तुम्हारा अपना कोई नहीं है? मेरा एक तुम्हारे जैसा बेटा है, वो कहीं खो गया है, मैं उसे ढूंढने निकला हूँ। कहाँ खो गया है? इसी शहर में। तुम्हारे पास तुम्हारे बेटे का कोई फोटो नहीं है? वो तो मुझे दे दो, मेरे स्कूल में बहुत से बच्चे, उनमें से कोई तुम्हारा होगा। मेरे पास उसकी कोई फोटो नहीं, मैंने उसे देखा भी नहीं। तो तुमसे वो बहुत नाराज होगा, तुम उससे प्यार नहीं करते? बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन जब वो पैदा हुआ था तो मैं जेल में था। उसे इतना प्यार करता हूँ कि उसे मिलने में जेल से भाग कर आया हूँ। तुम जेल से भाग कर आए हो? मैं किसी को नहीं बताऊंगा तुम यहाँ छुपे हो, चलो मेरे साथ। किधर? उठो, आ आ आ अंदर आ। ये जगह तुम्हारे लिए बहुत अच्छी है, इधर तुम्हें कोई नहीं देख सकता। अच्छा तो मैं चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, दिवाली मुबारक, दिवाली मुबारक। आपको भी दिवाली मुबारक, ऐसी खुशियां मनाते रहो। ये लो चाचा। अरे बेटा दिवाली मुबारक। आओ चाचा पूजा करते हैं। आओ चाचा। चाचा ये दिवाली क्यों मनाते हैं? बेटा अपने बाप का दिया हुआ वचन पूरा करने के बाद रामचंद्र जी 14 साल का वनवास पूरा करके आज के दिन अपने घर आए थे अयोध्या में, उस खुशी में दिन मनाते हैं। तो राम कौन थे? राम बेटा एक पैगंबर थे, बहुत बड़े अवतार, मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं उन्हें। चाचा आप तो रामायण भी जानते हैं। क्यों नहीं बेटा, ये बंटवारे से पहले हिंदू मुसलमान मिलकर दिवाली और ईद मनाते थे, हर घर में होते थे ये त्योहार। देश के टुकड़े क्या हुए, दिलों के टुकड़े हो गए। जब वो दिन याद आते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। चलो जो अल्लाह की मर्जी, आओ पूजा करें। भगवान से जो भी मांगो तो मिल जाता है? हाँ बेटा, सच्चे दिल से प्रार्थना करो तो भगवान जरूर स्वीकार करते हैं। भगवान जी वो जो बाहर अंकल है ना, वो ही मूछे वाले अंकल, उनसे उनका बेटा मिला था ना। अरे गौरव कहाँ जा रहे हो? दोस्तों को प्रसाद बांटने। अरे वाह। हेलो प्रसाद, मैंने भगवान जी से प्रार्थना की है क्या तुम्हें तुम्हारा बेटा मिला दे? अरे अंकल तुम रो रहे हो, इतने बड़े होकर रोते हो? तू मेरा कोई भी नहीं, फिर भी मुझे अपना सा क्यों लगता है? तुम भी मुझे बहुत अच्छा लगते हो, जब तुम्हें तुम्हारा बेटा मिल जाएगा तो मैं भी उससे दोस्ती कर लूंगा।
सो जाओ, बहुत देर हो गई है। अच्छा अंकल, गुड नाइट। गुड नाइट। अजय गंगा मैया, बहन जी लो दूध। गौरव बेटे, दूध अंदर लेके जाना। अच्छा। इलो बिटुआ। अंकल उठो उठो, तूने रात भर कुछ खाया नहीं ना, मैं तुम्हारे लिए दूध लेके आया हूँ। जब मैं रात सो रहा था तो मेरी मम्मी ने मुझे रामजी की कहानी सुनाई थी, उनके भी तो बेटे थे लव कुश, वो अपने पिता से दूर जंगल में अपनी माँ के साथ रहते थे और एक दिन वो भी अपने पिता से मिल गए। उसी तरह तुम्हें भी तुम्हारा बेटा मिल जाएगा। विश्वनाथ भैया, गौरव घर में नहीं है, जरा देखो ना। गौरव क्या कर रहा है यहाँ? तेरी माँ बुला रही है तुझे, चल। जय किशन, तुम जय किशन नहीं, तुम्हारा दुश्मन। मैंने तुमसे कहा था कि हम जब भी मिलेंगे तो दुश्मनों की तरह मिलेंगे। तुम्हारी वजह से मेरी यह हालत हुई है। मैं अपने बच्चे के लिए जिस तरह तड़पा हूं, तुम भी इस बच्चे के लिए तड़पोगे जिंदगी भर। जयकिशन, ये क्या कर रहे हो? छोड़ दो इसे। अगर तूने मेरा पीछा किया तो मार डालूंगा इसे। जयकिशन, ये तुम्हारा बेटा है। मम्मी, मम्मी, लेके जा रहा है, उसकी जान को खतरा है। कंचन, मैंने तो आपकी मदद की है मुच्छल अंकल, आप मुझे क्यों मार रहे हैं? तेरी मौत से मेरी आत्मा को शांति मिलेगी, विश्वनाथ से मेरा इंतकाम पूरा होगा। मुझे मालूम है आप मुझे नहीं मारोगे। चुप बैठ। तू देखना चाहता है मैं तुझे कैसे मारूंगा? ये देख, ये देख, ये देख। मुच्छल अंकल, उठो मुच्छल अंकल। गौरव, गौरव, आप लोग इधर जाइए और आप लोग मेरे साथ आइए। Go!
से मेरी जिंदगी सलाखों के पीछे कटी, तेरी वजह से मैंने अपने महबूबा खो दी, तेरी वजह से मैंने अपने बच्चे का मुंह नहीं देखा, ना जाने किस हाल में होगा वो। जय किशन ये तेरा बेटा है। झूठ बोलता है तू, जब तेरे बच्चे की जान की बात आ गई तो तूने उसे मेरा बेटा बना दिया। Yeah.
यही छोड़ दो। मिस्टर किंग क्राउन, यू आर अंडर अरेस्ट। क्या है? चलो, चल। गौर, मम्मी। गौर। Excuse me, Inspector. Okay. Papa. विश्वनाथ, अब मुझे जेल जाने का कोई अफसोस नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है जब मैं लौट कर आऊंगा तो मेरा पूरा परिवार मेरा इंतजार कर रहा होगा।